यस गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? गुड मॉर्निंग गाइस, फटाफट चैट में गुड मॉर्निंग भेजो। गुड मॉर्निंग, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? ऑल राइट, ऑल राइट गाइस। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू द अल्टीमेट बैच ऑफ सीए फाइनल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैच एंड आई बॉम क्या बोल रहे हो? अच्छा चलो, एंड आई वेलकम यू टू दिस बैच। और दोस्तों, हम लोग ये बैच में क्या करने वाले हैं सर? ये बैच में हम लोग सीए फाइनल का जो लॉ है वो पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। कितनी देर में? 100 घंटे में सर। तो ये 100 घंटे में जो खत्म होता है, ये फास्ट ट्रैक होता है, रेगुलर होता है, क्या होता है? तो बेटा ये जो 100 घंटे में खत्म होता है ना, ये लॉ होता है। कितनी भी बार पढ़ लो, पहली बार पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, आपको अगर लॉ को जस्टिफाई करना है तो ये समय आपको देना पड़ेगा। इसमें हम पूरे लॉ का 100% कवरेज करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारी चीजें इस बैच के बारे में मैं आगे चल करके बताऊंगा। एक बार आप मेरे को बस फटाफट ये कंफर्म कर दो कि आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है और मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक बार बस मेरे को ये कंफर्म कर दो कि आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। थोड़ा सा सागर चला लेना, थोड़ा सा, मुझे पता है क्यों हो रहा है ऐसा, पर थोड़ा सा इको चला लेना, ठीक है? ओके गाइस, चलो दैट्स ग्रेट। आप लोगों को आवाज आ रही है, वेरी गुड सर। क्लास शुरू करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल टू दिस बैच। मेरी बात सुनिए सर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बैच शुरू करने के पहले कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूं, जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों के जो नोट्स हैं वो अब तक कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे, अगर कल या परसों में आपने लेक्चर्स लिए हैं तो। और बाकी बच्चे जिन्होंने पहले ले लिए थे, उन लोगों के नोट्स आप तक पहुंचने के होंगे या पहुंच भी गए होंगे, ठीक है? दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, सब लोगों के लिए अलग अलग है, बट आप लोगों के नोट्स एकदम समय पर डिस्पैच हो चुके हैं। सर, आप मेरी बात सुनिए, आप लोग मेरे को इतने समय तक सुनने वाले हैं तो एक बार सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं। अगर आप किसी इंसान को 100 घंटे सुनोगे तो 1 या 2 मिनट लगा करके उसके बारे में जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंगल, और अगर ये नाम आप अगर आप ये नहीं जान करके क्लास के लिए रजिस्टर करवा चुके हैं तो थोड़ी दिक्कत है, बट मेरा नाम है शुभम सिंगल एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई हैड क्लियर माई सी ए फाइनल बैक इन 2018 विद एन ऑल इंडिया रैंक 4। मैंने आई एम बेसिकली फ्रॉम ओडिशा। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड रायगढ़ इन ओडिशा, इट इज अ स्मॉल टाउन। ओयो का जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल, वो भी रायगढ़ ही से है, वहीं से है वो एग्जैक्टली। और उसके बाद मैंने रायगढ़ के बाद आई वेंट टू रायपुर टू डू माय सीपीटी एंड फाउंडेशन, सीपीटी एंड इंटरमीडिएट, उस समय फाउंडेशन ने सीपीटी कहते थे उसको, वो करने के लिए मैं गया रायपुर। और रायपुर से फिर मैं गया नागपुर। नागपुर में मैंने आईटीटी किया, ओरिएंटेशन किया और थोड़ी मस्ती की, ठीक है? उसके बाद नागपुर से मैं चला गया मुंबई। मुंबई में आई डिड माई आर्टिकलशिप फॉर 3 ईयर्स। आई वॉज विद डेलॉयट हास्किंस एंड सेल्स। डेलॉयट में मैंने 3 साल की आर्टिकलशिप की स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट में। और उसके बाद मुंबई से चला गया मैं रांची। रांची क्यों चला गया सर? रांची चला गया मैं पढ़ने के लिए। वहां पे मैंने 6 महीने रह करके अपने सीए फाइनल की पूरी तैयारी की और फिर रांची से एग्जाम दिया। क्यों सर? क्यों? मेरे को पता था रांची में से ना रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं, तो मेरे को पता था रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। रांची में चेकिंग थोड़ा ईजी होता है, ऐसा मेरे को किसी ने बोला था। नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं रांची गया था क्योंकि मेरे को वहां पे मेरी एक फैमिली भी थी और मेरे को वहां पे रहना था, वहीं पे एग्जाम लिखना था, क्योंकि मेरा जो घर था रायगढ़ वहां पे एग्जाम सेंटर नहीं था। तो मैं रांची चला गया और रांची जाकर के एग्जाम लिखा, फिर सीए क्लियर कर लिया। सीए क्लियर करने के बाद मैंने जो 2 जॉब्स की, पहली जॉब मैंने की एक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। हाँ,
मुंबई एयरपोर्ट में मैंने काम किया, तो अगर कभी तुम मुंबई आओ और तुमको अगर लाउंज की कोई भी जरूरत हो, या फिर तुमको अगर इंडिगो की फ्लाइट तुम्हारी कोई भी कुछ भी तुमको फ्लाइट से रिलेटेड इशू हो, तो तुम लोग मेरे को कॉल बिल्कुल भी मत करना, मैं कुछ भी नहीं करवा पाऊंगा अभी वहां पे, मैं जॉब नहीं करता। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो मैं चला गया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वहां पे मैंने आई वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द सीईओ, और उसके बाद वहां पे मैंने 1.5 साल काम किया, फिर कोविड और अडानी एक साथ हो गए मुंबई एयरपोर्ट को। तो उसके बाद मैंने देखा एक वेंचर कैपिटल फर्म में, आई आई गॉट अ जॉब एट गिल्ड कैपिटल, विच इज बेसिकली अ वेंचर कैपिटल फर्म। वेंचर कैपिटल मतलब सर वो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में। तो मैं बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करवाता था, ठीक है, मेरे पास तो थे ना इन्वेस्ट करने के लिए। और उसके बाद हमने 1.5 साल वहां पे काम किया मैंने, फिर उसके बाद आई आई हैव बीन टीचिंग फुल टाइम नाउ। नाउ कमिंग टू सर, ये था मेरा पूरा इंट्रोडक्शन, अब तुम लोग मेरे बारे में समझ गए हो, और बहुत सारे बच्चे थोड़े बहुत मेरे को जानते भी होंगे, ठीक है, जैसे मेरी 3-4 बच्चों से बात हुई थी। बाकी तुम लोगों के बारे में जो बच्चे लाइव अटेंड करने वाले, जो रिकॉर्डेड देखने वाले हैं, वो तो एक फ्लो में खत्म कर देंगे, जो लाइव अटेंड करने वाले तुम लोगों के साथ मैं बहुत ही जल्दी एक जूम कॉल लूंगा, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उस जूम कॉल अपन लेंगे आइस ब्रेकर सेशन। सर आपके अगले 3 लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे रहने वाले हैं, और उसके आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे अपने ऐप पे चले जाएंगे। समझा क्या? बोलो हाँ या नहीं, चैट पे बोलो हाँ या नहीं सर, नहीं तो नींद आएगी तुमको, सुबह सुबह का समय है। चैट पे बोलो समझा कि नहीं, आया नहीं। कौन कौन है ऐसा बेड पे लेट करके लेक्चर देख रहा? नहीं ना, चलो गाइस उठ जाओ, पढ़ाई शुरू करते हैं। मेरी बात सुनो सर, वेलकम टू योर सीए फाइनल आल्सो। सीए फाइनल का ये आपका पहला, ये आपका सीए फाइनल का सब्जेक्ट है जिसका नाम है पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। दोस्तों कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फाउंडेशन लेवल पे इंटर लेवल पे थियरी जो है वो वीकनेस होता है, थियरी जो होता है वो उनको अटकाते अटकाते रह जाता है। तो हम लोग इस बार फाइनल में पूरी ध्यान रखेंगे कि कोई भी थियरी हमको लटकने नहीं देगा पेपर, और लटकना तो छोड़ो, आजकल तो बेटा विद ऑल द न्यू काइंड ऑफ नोट्स दैट हैव कम इन एंड एवरीथिंग, इट इज वेरी इजी टू स्कोर एन एग्जेम्पशन इफ यू the right approach. If you just know the right approach and you know where to attack, अगर ये आपको पता होगा तो आपके लिए exemption लाना बहुत आसान है। तो सर corporate and economic law जो है आपका paper 4, ये हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं 100 marks के लिए। अब सर क्या आप लोगों को पता है आप लोगों का exam pattern क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों का exam pattern क्या होता है paper 2 का, paper 4 का? बताओ मेरे को, क्या आपको पता है? सर आपके एग्जाम पैटर्न के अगर बारे में बात करूं तो देखो ये मैं आपको दिखाता हूं, आपके एग्जाम का ही एक पेपर है, ये आपका एग्जाम का पेपर है जहां पे आप देखो जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स लिखा है। ये क्वेश्चन पेपर जो है ना 2 पार्ट में बट करके आता है, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 कंप्राइजेस ऑफ एमसीक्यूज। पार्ट 1 में क्या होता है? पार्ट 1 में एमसीक्यूज होता है, और पार्ट 2 में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। तो आपका जो एमसीक्यू होता है ना बेटा वो 30 मार्क्स का होता है, आउट ऑफ 100 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होता है, और जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का आपको स्कोर होता है उसमें। लेकिन उसमें ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो कभी एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दे रखा है, इस तरीके से टोटल आई थिंक 84 मार्क्स का होता है। तो आपका टोटल ओवरऑल पेपर कितने का होता है? 114 मार्क्स का होता है। उसमें से आपको 100 नंबर के अटेम्प्ट करने, और उसमें से आपको 70 नंबर 60 नंबर ला रहा है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बस मेरी बात सुनते रहना और मेरी बात आगे मानते रहना, हो जाएगा, कसम से वादा है मेरा, ठीक है। अब सर उसके बाद आप देख सकते हो नीचे बहुत सारा ज्ञान लिखा है, लास्ट में ये भी लिख दिया कॉपी मत करना। अच्छा, जिनको करना है वो तुम्हारे बोलने से रुकेंगे नहीं, और जिनको नहीं करना है उनको वैसे भी नहीं करना है। अब सर पार्ट 2 देखो, पार्ट 1 आपका एमसीक्यू था 30 मार्क्स का, पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 में 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, और बाकी 5 में से आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। सर नॉर्मली यही पैटर्न आपके हर हर सब्जेक्ट का रहता है, आपको 5 में से 4 क्वेश्चन लिखना है, तो आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो गए, और टोटल 5 क्वेश्चन के आपको कितने मिलेंगे? 70 मार्क्स मिलेंगे। बोलो समझे क्या? अरे बोलो समझे क्या? ये आपका पेपर का पैटर्न है सर। उसके बाद अभी इंग्लिश इंग्लिश में लिखना है वो सब ठीक है, पर पेपर से क्वेश्चन शुरू हो गए, क्वेश्चन आगे चल करके हम देखेंगे। पर सर ये आपका पेपर पैटर्न था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सर यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं कि जो आप लोगों का 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता है ना, इट कैन समटाइम्स बी अ ब्लेसिंग, इट कैन समटाइम्स बी वेरी चैलेंजिंग। पिछले अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था कि इन्होंने एमसीक्यूज में रुला दिए बच्चे को, डिस्क्रिप्टिव इन्होंने बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, पर बहुत आसान क्वेश्चन आता है ना तो उसमें मार्क्स नहीं देते हैं ये लोग, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज में इन्होंने रुला डाला। तो सर एमसीक्यू जो है 30 नंबर्स का, हम लोगों का पूरा पूरा टारगेट रहेगा कि 30 में से 30 आए,
अरे सर क्यों ऐसा अनरियलिस्टिक टारगेट लेते हो बेटा? मैं ऐसा बच्चा हुई नहीं जो अनरियलिस्टिक टारगेट ले। मैं ऐसा इंसान हूं जो रियलिस्टिक टारगेट लेता है। मैं आपको बोल रहा हूँ एमसीक्यू में 30 पे 30 ठोकेंगे अपन। जो बाकी का आपका 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है ना, उसमें हम 35 से ज्यादा का टारगेट नहीं करेंगे। 35 से 40 नंबर से ज्यादा का टारगेट नहीं करेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि मार्क्स यहीं पे मिलते हैं। एमसीक्यू में अगर तुम सही हो तो सही मार्क्स, गलत हो तो गलत मार्क्स। ठीक है, तो हम जो है एमसीक्यू में आपको 30 on 30 लाने का। सर अभी 30 on 30 लाने का क्या तरीका है? 30 on 30 तरीका लाने का ये तरीका है, 100% कवरेज पहला आपका होना चाहिए और दूसरा एग्जाम के पहले 100% रिविजन होना चाहिए। ये दोनों कैसे होगा बेटा वो मैं आपको बताऊंगा, पर अल्टीमेटली करना किसको है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन करना किसको है? करना आपको है। पर आगे चल करके हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद से मैं बता दूं, ये जो कोर्सेज होते हैं हमारे सीए के, आपके सीएमए के लिए भी रेलेवेंट होते हैं। इस बार मैं सीएमए वाले स्टूडेंट्स को भी जो है जितने भी उनके एक्स्ट्रा चैप्टर्स है उनको वो प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो आपके लिए भी कोर्स जो है 100% रेलेवेंट बन जाएगा। उसके बाद सर सिलेबस की बात करते, क्या आपने आज तक, क्या तुमने कभी किसी से, नहीं वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, क्या तुमने कभी अपना आईसीआई मॉड्यूल खोल करके अपना पेपर 4 का सिलेबस देखा है? सर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं एक बार आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले सर सिलेबस वगैरह बताने के पहले मैं आपको एक बार अपना क्लास का अप्रोच बता देता हूं, क्योंकि वो बताना मेरे लिए आपके, मेरे को आपके लिए बहुत जरूरी है। सर सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप मेरी बात मानोगे? सर मैं आप लोगों से एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों सुनो। आप लोग ना जब भी ये थियरी पेपर है, थियरी पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान लगाना क्लास में। आप कभी कभी क्या होता है, क्लास में थोड़ा जो कंटेंट चल रहा है वो आपको एक बार ही समझ आ गया, पर बाकी बच्चों को तो अभी समझना बाकी है ना, तो आप लोगों को लगता है यार ठीक है यार स्लो चल रहा है यार ये चल रहा है। मैं बोलूंगा आप लोगों को जो भी चीजें मैं क्लास में करवाऊंगा ना, हर चीज में लिखवा लिखवा के करवाऊंगा। लिखवाऊंगा मतलब क्या, मैं आपको अलग से लिखने के लिए टाइम तो नहीं दे पाऊंगा 100 घंटे में, पर मैं इस तरीके से जैसे मैंने ये बनाया है तो मैं इसको क्लास में ही बनाऊंगा, ताकि आप मेरे साथ साथ मेरी स्पीड से स्क्रिबल कर सके। इससे सर एक तो आपकी राइटिंग स्पीड भी बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी। क्या बोला मैंने? इससे आपकी राइटिंग स्पीड भी बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी, और दूसरा आपको चीजें याद करने में, रिटेन करने में ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग एक नोट्स खोलो जिसको आप स्क्रिबल नोट्स बोलो, और उसमें आप सारी चीजें जो मैं क्लास में लिख रहा हूं या जो मैं समझा रहा हूं, जिस भी तरीके से मैं समझा रहा हूं, वो आप उसको समझोगे और उसको करोगे। आप क्या करोगे, वो उसको समझोगे और उसको लिखोगे। दूसरा सर आपको समरी नोट्स मिलेगी, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, आपको एमसीक्यू बुकलेट मिलेगा। ये जो तीनों किताबें हैं, ये जो तीनों किताबें हैं सर, ये आपका मिला करके मैं कहता हूं दी अल्टीमेट सोल्यूशन है। आपको इसके बाहर जा करके कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर बच्चे कहते हैं क्या इतना इनफ है, तो मैं कहता हूं पहले इतना करके दिखाओ फिर उसके बाद की बात करते, करके तो दिखाओ। सर इसमें आपके समरी नोट्स में आप तक बुक पहुंचेगी। समरी नोट्स में आपको पूरा का पूरा लॉ जो है वो 200 से 230 पेजेस के अंदर क्या करा गया है, समराइज किया गया है। अब सर इतने अमेंडमेंट्स आ रहे हैं लॉ में कि वो पॉसिबल नहीं हो रहा है उसको 200 पेज में रखना, तो वो पेजेस बढ़ते जा रहे। अभी पिछले ही समय में, थोड़े ही समय पहले आईसीआई ने 30 पेजेस का अमेंडमेंट डाल दिया। तो सर वो सारे अमेंडमेंट कवर्ड है आपके बुक में, पर वो अमेंडमेंट करते ही पेजेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद सर बात करते हैं आप लोगों को इस क्लास के साथ, सर आपको डेली रिविजन वीडियोस मिलेंगे। डेली मतलब इन द सेंस चैप्टर वाइज रिविजन वीडियोस मिलेंगे। आपके सर मॉक टेस्ट होंगे, कितने मॉक टेस्ट होंगे? आपके 6 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होंगे और 1 फुल मॉक टेस्ट होगा। दोस्तों मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको 3-4 दिन के बाद थोड़ी और क्लैरिटी दूंगा। अगर आप लोग किसी तरह का टेस्ट सीरीज को रजिस्टर करना चाहते हैं तो अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उसमें, पर मैं चाहता हूं दोस्तों देखो पढ़ाई तो सबको ही करते हैं, लॉ तो सबको समझ आता है, तो लॉ समझना पढ़ना फिर एग्जाम में लिखने के बीच में क्या गैप आ जाता है जो यहां बच्चा 60-70 के कॉन्फिडेंस में जाता है और वहां 40 भी नहीं ला पाता है, ऐसा क्या डिफरेंस होता है? वो अपने को समझना बहुत जरूरी है, और वो समझने के लिए बेटा हम लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब तुम लोग मेरे को एक बात मेरे से ये समझ करके चलना, तुमने मेरे को सीए फाइनल का सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस 100 घंटे में खत्म करने का टास्क दिया है, तो मेरी मेहनत बढ़ेगी ना, तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी मेहनत बढ़ेगी दोस्तों। तो हम लोग बहुत सारा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, 6 चैप्टर वाइज टेस्ट आप लोगों के लिए जाएंगे और 1 पूरा मॉक टेस्ट लिया जाएगा। सर क्या ये टेस्ट का पेपर का चेकिंग हो सकता है? इसके बारे में अपन 3-4 दिन के अंदर अंदर डिस्कशन करते हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ लाने की सोच रहा हूं, वो मैं आपको 3-4 दिन के अंदर अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा सर जैसा कि मैंने कहा कि एमसीक्यूज में से 30 में से 30 लाने हैं,
रोज एमसीक्यू पे ठोकेंगे ताकि हम लोगों को वो आदत बन जाए। अब से सर आज नहीं तो कल से मैं क्या करूंगा, आप लोगों का डेली एमसीक्यू शुरू करवा दूंगा। मैं एक कोशिश मैं वो फिगर आउट करता हूँ कि किस तरीके से मैं वो करवाऊं ताकि बाद में रिकॉर्डेड बच्चों को भी मिल जाए आसानी से सारे एमसीक्यूज। पर मैं सारे के सारे एमसीक्यूज आपके करवाऊंगा और वो डेली एमसीक्यूज की तरह चलेंगे। और सर आपको रिविजन ऑडियोज भी मिलेंगे। अरे मतलब भाई इससे ज्यादा क्या चाहिए यार। और मतलब मेरे को बचाओ ना, एक बात बताओ और बचा क्या, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, डेली एमसीक्यू हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, पढ़ाई हो गया, नोट्स हो गए, क्या चाहिए और। ठीक है तो सर ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें अपने को क्लास के साथ साथ करनी है। मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूंगा, आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा जब भी आप ये क्लास शुरू कर रहे हैं पूरी कोशिश कीजिए कि आप अगले 35 to 40 days के अंदर मेरे साथ एकदम डिसिप्लिन मैनर में ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है खत्म कर लो। क्या करोगे, पूरा का पूरा जो है सब्जेक्ट खत्म कर लो ताकि आपको बाद में चल करके इस सब्जेक्ट का टेंशन ही ना रहे। अब सर मैं आपको बताता हूँ ये सब्जेक्ट में हमारे सिलेबस में क्या क्या है। सर सिलेबस हमारा बहुत डिटेल्ड है, बहुत वास्ट है। सीए फाइनल के सिलेबस में आप लोगों की एक ही प्रॉब्लम होती है कि आपको एंड नहीं दिखता है, क्या खत्म कब होगा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे सीए फाइनल के सिलेबस की। तो सर ये सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपका कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा है इकोनॉमिक लॉ। वाह 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 वाह, नाम क्या था, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, एक हो गया कॉर्पोरेट लॉ, दूसरा हो गया इकोनॉमिक लॉ। सर आपने अपने इंटरमीडिएट में भी दो तरह का लॉ पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में क्या आता था, कंपनी एक्ट आता था। अदर लॉ में क्या आता था, बहुत सारे अलग अलग तरह के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, जनरल क्लॉज एक्ट हो गया। होता था कि नहीं, होता था कि नहीं, हाँ सर होता तो था। अच्छा बच्चों बताओ किसी की क्लास अटक रही है क्या, क्योंकि लक्ष्य की क्लास तो अटक रही है, किसी और की भी क्लास अटक रही है क्या, बताओ फटाफट। नहीं सर नहीं अटक रही है। अक्षय आप अपने एंड पे एक बार बेटा इंटरनेट देख लो, मेरी बात सुनो दोस्तों। मैंने क्या कहा, कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक लॉ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब सर मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉर्पोरेट लॉ में हमारे दो एक्ट्स आते हैं, एक तो कंपनीज एक्ट आता है, एक तो हमारा कंपनीज एक्ट आता है, और दूसरा हमारा कंपनी लॉ आता है और सिक्योरिटी लॉ आता है। सर दो लॉ आता है कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। तो एक कंपनीज लॉ में क्या आता है सर, कंपनी लॉ में आता है आपका कंपनीज एक्ट, और सिक्योरिटीज लॉ में क्या आता है सर, सिक्योरिटीज लॉ में आपके दो एक्ट आते हैं, एक तो सेबी एक्ट आता है और दूसरा SCRA एक्ट आता है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, SCRA एक्ट आता है। अब सर सुनो, आपके इंस्टीट्यूट को थैंक यू बोलो कि SCRA एक्ट इतना पुराना और इतना इररिलेवेंट हो रखा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि इन्होंने कुछ ही साल पहले SCRA को आपके सिलेबस में से हटा दिया। पर अभी भी जब आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जाकर के चेक करोगे ना उनके वेबसाइट पे, तो बाहर चैप्टर के नाम पे ये लोग SCRA लिखते हैं, पर अंदर करके देखोगे ना तो अंदर कुछ नहीं है। अब बच्चे बाहर बाहर से देख के कह देते हैं सर SCRA की क्लास ही नहीं दी आपने, अरे सर ICAI ने लिया ही नहीं है कोर्स में, तो क्लास देके क्या कर दूं मैं। अब मेरी बात सुनो सर, ये हो गया आपका कंपनीज एक्ट और सिक्योरिटीज लॉ। दूसरे तरफ सर आपका इकोनॉमिक लॉ है, इकोनॉमिक लॉ में क्या क्या चीजें आती है सर, इकोनॉमिक लॉ में आता है आपका सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट सर बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इसका सिलेबस अब बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया है। मेरा ये गेस है कि आने वाले अटेम्प्ट में फेमा का जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा, फेमा का जो वेटेज है वो रिलेटिवली बढ़ जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सर हम लोगों ने पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्या पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके बाद हमने पढ़ना है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन। बेटा आप लोग ये लिख लो ये चीजें अपने नोट्स में, शुरू शुरू वाले पेज में आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, सीए फाइनल लॉ के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो मैंने क्या कहा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भी पढ़ना है आपको। उसके बाद सर आपको पढ़ना है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, क्या पढ़ना है आपको, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। और लास्ट में आपको पढ़ना है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दी मोस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर, जो पढ़ के एकदम तुम ऐसा मजा आ जाएगा तुमको, वो है सर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्या है वो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, नाम तो सुना ही होगा, थोड़ा तो नाम सुना ही होगा बेटा। अगर तुमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का नाम नहीं सुना है बेटा तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, वरना बहुत दिक्कत हो जानी है, समझे क्या।
तो सर ये क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। अब सर हम क्या बात करेंगे, हमारे क्लास में अप्रोच क्या रहने वाला है। सर क्लास में हम कुछ चैप्टर्स करेंगे क्या, पहले कंपनी लॉ के कुछ चैप्टर्स करने के बाद हम चले जाएंगे कुछ चैप्टर्स इकोनॉमिक लॉ के पिक करने और फिर वापस आ जाएंगे। इस तरीके से जाना आना चलता रहेगा। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं पूरा कंपनी लॉ एक बार में खत्म करूं, आधे बच्चे जब तक वहां पहुंचेंगे फिर बोलेंगे यार मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है यार, मेरे को ना पढ़ाई जल्दी जल्दी खत्म करनी है। इकोनॉमिक लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रह जाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले कॉर्पोरेट लॉ के कुछ मेजर चैप्टर्स करेंगे, फिर हम इकोनॉमिक लॉ के मेजर चैप्टर्स करेंगे, फिर वापस आएंगे। इस तरीके से वो मैं संभाल लूंगा, कब क्या करवाना है वो मेरा काम है। तुम्हारा काम क्या है बेटा, तुम्हारा काम सिर्फ ये है एकदम नियम से चीजों को फॉलो करो, खत्म करो और जो है आप इसको क्या करोगे, पूरा अचीव करोगे। सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सर, हम लोग ना कंपनी लॉ के अंदर क्या पढ़ते हैं, कंपनी लॉ के अंदर आप देखो कॉर्पोरेट लॉ में दो लॉ आता है, कंपनी लॉ और सिक्योरिटीज लॉ। पहले सर कंपनी लॉ की बात करते हैं। कंपनी लॉ में आप देखोगे तो उसमें आपका कंपनीज एक्ट आता है 2013। सर कंपनीज एक्ट जो है ना वो सेक्शन 1 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, सेक्शन 470 तक जाता है। अब सर इसमें से आपने कुछ पोर्शन तो अपने सीए इंटरमीडिएट में पढ़ लिया था, कौन सा वाला सर, सेक्शन 1 से लेकर के 148 तक आप अपने सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में कवर करते हो। सर क्या वो हमको याद रखने की जरूरत है? नहीं, तुमको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं रखोगे तुम याद बेटा? सर आपको 1 से 148 वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, पर तुम ये मान के चलो कि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा इंटरमीडिएट का एग्जाम में टेस्ट हो सकता है। सर ये तो जरूर होता है कि इंटरमीडिएट में फाइनल का कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है एक छोटा सा, ये तो सरासर ना इंसाफी है पर ये होता है। पर आप लोग ये मन में मान के चलो कि मेरे 1 से 2 नंबर जो है वो तो शायद हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में टेस्ट हो सकते हैं, उसमें इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं है। अब सर इस तरह की चीजें के लिए हम क्या करेंगे, जो चीजें उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट कर ली है वो वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा। पूरा इंटरमीडिएट का रिविजन तो हम कर नहीं सकते, आप मान के चलो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपली पूछ लूं आज के डेट में कि ORSR क्या होता है, तो इसमें हल्ला क्या होता है, ऐसा अगर तुम बोलोगे तो दिक्कत है। सर अगर तुमको पता है हाँ ओआर का बेसिक क्या है, एसआर का बेसिक क्या है, तो आगे अपन संभाल लेंगे। सर ORSR क्या होता है? हाँ सर ओआर होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एसआर होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ओआर मतलब तुम बचपन में क्या बोलते थे, मोर देन 50%, और एसआर मतलब क्या, मोर देन इक्वल टू 75% वोट, ये होता है आपका ORSR। तो सर इतना अगर आपको आता है, मतलब इतना मतलब सिर्फ ये नहीं, पर इस तरह का बेसिक क्लियर है ना तो चल जाएगा, इंटरमीडिएट का आपको कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है। पर उसके अलावा जो भी सेक्शन रेलेवेंट है वो भाई आया है करा के जाएगा, जो भी सेक्शन, जैसे कि इंटरमीडिएट का सेक्शन 92, सेक्शन 137, सेक्शन 2 क्लॉज 45, जो भी रेलेवेंट है वो मैं करवा के जाऊंगा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सर मैंने क्या बोला, 1 से लेकर के 148 तक हमने कर लिया है, 149 से लेकर के 470 तक आपके सीए फाइनल के सिलेबस में आता है। तो इंस्टीट्यूट ने बोला यार बच्चा 470 तक कहां पढ़ पाएगा यार, इतना इतना सारा थोड़ी पढ़ पाएगा, तो उन्होंने बोला यार थोड़ा कम कर देते हैं। तुमने बोला इंस्टीट्यूट थोड़ा ठीक ठीक लगाओ ना, तो इंस्टीट्यूट ने बोला चल ठीक है ज्यादा नहीं पढ़, तो एक काम कर सिर्फ 455 तक पढ़ लेना। वाह वाह इंस्टीट्यूट वाह, थैंक यू, 15 सेक्शन छोड़ के तो आपने हम पे एहसान किया है। पर सर कसम से वो 15 सेक्शन इतने दर्द है ना, वो वैसे भी उन्होंने एहसान किया ही है, मान लो वीडियो देख लेंगे सुन लेंगे अमेंडमेंट ये आरटीपी में डाल देंगे ना तो बैंड बज जानी है हमारी, ठीक है। तो सर हमारा सेक्शन 149 से लेकर के जो 455 तक है वो हम सीए फाइनल के सिलेबस में पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। पर सर जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंदर एक बहुत मेजर पोर्शन जो है ना, मान लो आपका 250 260 के बाद से लेकर के, वो बहुत मेजर पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, लॉ में वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो आप टेंशन मतलब आराम से हम कर लेंगे। उसके बाद सर मैंने आपको बोला सिक्योरिटीज लॉ पे ध्यान दो। सर सिक्योरिटीज लॉ में एक बहुत ही प्यारा एक्ट आता है सेबी एक्ट, लेकिन सेबी एक्ट के साथ साथ आपको एक और चीज भी पढ़नी पड़ती है, सेबी LODR। अरे किसी को गाली नहीं दे रहा हूं भाई, यहां पे लिखा है सेबी LODR, मतलब सेबी LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का रेगुलेशन। सर सेबी का एक रेगुलेशन आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है सर पूरा का पूरा सेबी एक्ट और सेबी रेगुलेशन आपको पढ़ना है। अब सर मेरे को एक चीज बता सकते हो क्या, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चैप्टर का वेटेज क्या रहता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पार्ट का वेटेज क्या रहता है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना सर, आपका जो सेबी एक्ट और सेबी रेगुलेशन है ना, ये आप मान के चलो 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का आता है।
और सर उसके अलावा इकोनॉमिक लॉ जो है ना, इकोनॉमिक लॉ बेटा, इकोनॉमिक लॉ में मार्क्स मेरे को लग रहा है अभी थोड़े से और बढ़ेंगे, तो तुम मान के चलो 35 से 40 मार्क्स का आएगा इकोनॉमिक्स लॉ, ठीक है। और बचा हुआ क्या सर, बचा हुआ 50 से 55 मार्क्स का क्या आएगा, 50 to 50 मार्क्स का क्या आएगा, आपका कंपनीज एक्ट आएगा। तो सर मेरे को बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ? सर तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तीनों भी इंपॉर्टेंट है बेटा। 6 चैप्टर के लिए आपको 40 मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 10 चैप्टर के लिए आपको 50 मार्क्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको 2 चैप्टर के लिए 10 मार्क्स मिल रहे हैं। तीनों ही सेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोई भी सेक्शन को कम या ज्यादा मत समझना बेटा। जब पहले यहाँ पे SCRA था, यहाँ पे जब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट था, और यहाँ पे आपके इकोनॉमिक लॉ में पहले के जमाने में सरफेसी भी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सरफेसी भी हुआ करता था। अब जाके हमको लगता था नहीं यार सिक्योरिटीज लॉ थोड़ा ज्यादा हेवी है, थोड़ा ज्यादा बल्की है, अपना इकोनॉमिक लॉ थोड़ा ज्यादा बल्की है। पर अभी सर सब फेयर है, अभी सब फेयर एंड स्क्वायर है। लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कंपनीज एक्ट पे, और वो इकोनॉमिक लॉ को हल्के में लेते हैं। पर बेटा आजकल ट्रेंड बदल चुका है, इकोनॉमिक लॉ भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है, और इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप आराम से संभाल लोगे अगर आपने एक बार पढ़ा है तो। अब सर मान लो अगर हम ये मान ले कि आप अगर पेपर 6D के भी स्टूडेंट हो, तो पेपर 6D के भी अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए कौन कौन से चैप्टर सिमिलर है? सर अगर आप पेपर 6D के भी स्टूडेंट हो तो आपके लिए फेमा पूरा सिमिलर है, मैं बताता हूं कितना। आपका PMLA सिमिलर है, और आपका IBC जो है ना वो सिमिलर है। ये तीन चैप्टर जो है ये सेम टू सेम आपके कहां पे आते हैं, पेपर 6D में भी आते हैं। अब सर फेमा में अगर आप बताऊं मैं आपको, तो फेमा में अगर आपने पेपर 4 के सारे लेक्चर्स देख लिए, तो पेपर 6D का लेक्चर कवर करने के लिए सिर्फ आपको 1 या 2 लेक्चर्स लगेंगे। PMLA में सिर्फ आपको 1 या 2 लेक्चर्स लगेंगे, और आपको IBC में सिर्फ 3 या 4 लेक्चर लगेंगे एक्स्ट्रा। इसके बाद आपका पूरा का पूरा पेपर 6D का सिलेबस भी कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, ये तो आपके लेक्चर्स हो गए, उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके अलावा पेपर 6D में और भी 4 चैप्टर कॉमन होते हैं। सर हम तो पेपर 6D नहीं कर रहे, हमको क्यों जानना है? सुन लो, नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर पेपर 6D में और कौन से 4 चैप्टर आते हैं? आपका रेरा आता है, आपका बेनामी आता है, आपका सरफेसी आता है, और आपका कॉम्पिटिशन एक्ट आता है। क्या आता है? कॉम्पिटिशन एक्ट आता है। तो सर आपका ये 4 चैप्टर जो है एक्स्ट्रा आते हैं। पर सर पेपर 6D में भी ना, अगर सच सच बताऊं तो जितना वेटेज ये 4 चैप्टर का है ना, उससे थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा वेटेज ये 3 चैप्टर का है। तो अगर आप पेपर 4 के साथ साथ ही अगर उसकी तैयारी करना चाहे, तो आपके लिए बहुत रिलेटिवली आसान हो जाएगा, आपके लिए क्या हो जाएगा, रिलेटिवली बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। समझे क्या? अरे बच्चों बोलो, समझे क्या? हाँ सर। अब सर मेरी बात सुनो, ये तो हो गया आपका पूरा अप्रोच इन द क्लास, और मैंने आपको बता दिया कि सर अपना सिलेबस क्या है। क्या आपको सिलेबस क्या है समझ आया? हाँ सर, हमको सिलेबस क्या है समझ आ गया। अब मेरी बात आगे की ध्यान से सुनो। सर सबसे पहला सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है बच्चों का। बच्चे कहते हैं सर शुड यू रिमेम्बर सेक्शन नंबर? क्या हम लोगों को सेक्शन नंबर लिख के आना, एग्जाम में याद करना, क्या ये जरूरी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए? दोस्तों देखो, अगर आप एग्जेम्पशन से ऊपर जाना चाहते हो ना, देयर इज अ सेइंग दैट टू गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स यू नीड टू पुट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स, राइट? तो सर अगर हर कोई सेक्शन नंबर नहीं याद करेगा और अगर एग्जेम्पशन की कोशिश करेगा तो कैसे होगा? वो एग्जेम्पशन में आपको फर्क क्या पड़ता है कि आपका क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, आपका लैंग्वेज ऑफ लॉ, आपका सेक्शन नंबर, यही सब तो फर्क पड़ता है ना एक उस बच्चे में जो एग्जेम्पशन ला रहा है वर्सेस एक बच्चा जो नहीं ला रहा है। आपको सेक्शन नंबर याद करना है क्या? सर मेरा मानना बहुत क्लियर है कि अगर आप एक सेक्शन पढ़ रहे हो आगे चल के, अभी जो आप सबसे पहला सेक्शन पढ़ोगे ना, वो सेक्शन कम से कम 5 पेज का है, 5 पेज का। जब तुम 5 पेज का सेक्शन याद कर ले रहे हो, तुम 3 डिजिट का सेक्शन नंबर नहीं याद कर पाओगे? सर तुम बिल्कुल कर पाओगे। तुमको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेरे क्लास में बैठना पड़ेगा। मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुम्हारे कंपनीज एक्ट में जितने भी सेक्शन इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है, मैं तुमको बता रहा हूं, तुमको गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होंगे। गिव मी 15 डेज टाइम। But the point is you have to be very much willing to learn the section number. I assure you, आपको section numbers by heart हो जाएंगे, और अभी नहीं, समय लगेगा, समय लगेगा। It is not a one day event, it is a process. We will go through that process, but you have to come along with me.
राइट बट आप लोगों को सेक्शन नंबर याद हो जाएगी, मेरी गारंटी है। पर सर क्या जरूरत है एग्जाम में? बेटा अगर सेक्शन नंबर याद आ जाए ना तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, आपके कंपनीज एक्ट में आगे चल करके कुछ चैप्टर्स है जिसका नाम है ट्राइब्यूनल वगैरह, जैसे नाम ट्राइब्यूनल वगैरह नहीं है, चैप्टर का नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपलेट ट्राइब्यूनल। तो ये जो चैप्टर है इसके सेक्शन नंबर दुनिया में कोई याद नहीं करता है। ऐसे जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ऊपर ऊपर से वो सेक्शन नंबर जो है देख लिए थे कि हाँ भैया 407 से शुरू होएगा हमारा, उधर जाकर के खत्म होगा 424 पे। एग्जाम में सर उसके ऊपर क्वेश्चन आया ना तो मेरे को एग्जैक्ट सेक्शन नंबर के साथ क्लिक कर गया कि अच्छा ये तो 410 का क्वेश्चन है। तो सर जब इस तरीके से आप सेक्शन नंबर लिख लो और ऐसा सेक्शन नंबर लिख लो जो किसी और ने नहीं लिखा है, तो आपको डेफिनेटली अपने पेपर में एक क्या मिल जाता है, आपको पेपर में एक एज मिल जाता है। कि आपको मेरी बात समझ आई? अरे बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। तो हम लोग सेक्शन नंबर याद करेंगे क्या? जी हाँ। क्या आप लोग मेरे साथ एफर्ट डालोगे सेक्शन नंबर याद करने में? बोलो हाँ सर, यस सर, वी विल पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू लर्न द सेक्शन नंबर एंड विद दैट वी विल बी डन बाय हार्टिंग ऑल द सेक्शन नंबर्स। समझे क्या सर? अरे बोलो ना। हाँ सर। अभी सर क्लास शुरू करेगा? रुको जरा, सबर करो कि जाने की जल्दी है क्या तुमको? पहले पहले फाउंडेशन तो बना लेने दो, तुम्हारा पहले बेस तो बना लेने दो। अब सर मेरे को बताओ, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, लॉ पढ़ेंगे लॉ पढ़ेंगे लॉ पढ़ेंगे, मेरे को एक बात बताओ, लॉ में तुमने बोला कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है? मेरे को सबसे पहले ये बताओ, लॉ में और एक्ट में फर्क क्या होता है? ये तुमने आज तक 100 बार सुन लिया होगा, पर फिर भी हर किसी को ये पता होना चाहिए लॉ में और एक्ट में फर्क क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? सर कोई मेरे को बता सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल सर। देखो हमने मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला हम कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे, फिर कॉर्पोरेट लॉ में मैंने आपको दो एक्ट बोला, एक तो मैंने बोला एक कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे और दूसरा सेबी एक्ट पढ़ेंगे। मेरे को ये बताओ, ये कॉर्पोरेट लॉ और ये एक्ट में डिफरेंस क्या होता है? दोस्तों एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर अगर मैं ये बोलूं कि हमारे यहाँ पे, मान लो हमारे यहाँ जिस भी सिटी में हम रहते हैं, ये सिटी में चोरी बहुत हो रही है। क्या बहुत हो रही है? चोरी बहुत हो रही है। तो चोरी अगर बहुत हो रही है तो चोरी को रोकना पड़ेगा। तो हमने सोचा यार चोरी रोकने के लिए थेफ्ट से रिलेटेड हमको क्या बनाना पड़ेगा? लॉ बनाना पड़ेगा। सर थेफ्ट से रिलेटेड जब लॉ बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमने एक थेफ्ट बनाया, एक एक्ट बनाया, मत करो थेफ्ट एक्ट। क्या बनाया हमने? एक मत करो थेफ्ट एक्ट करके बनाया। उस एक्ट में हमने बहुत सारी चीजें लिख दी कि ये मत करना, वो मत करना, चोरी मत करना, चोरी मत करना, चोरी मत करना, इस तरीके से लिख दिया हमने। उसके बाद सर एक्ट बनाने के बाद कुछ पावर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमने एक्ट बना दिया है, इससे रिलेटेड अगर तेरे को कोई चीज लगेगा तो रूल्स बना के बता देना। उसके बाद अगर एक्ट के इंटरप्रिटेशन में कहीं चैलेंज आ रहा है, कहीं पे एक्ट का लैंग्वेज से समझ नहीं आ रहा है चोरी करो लिखा है कि चोरी मत करो लिखा है, तो फिर आप क्या करोगे? आप जाके कोर्ट में केस करोगे, और केस जब करोगे तो आपके कुछ केस लॉस आएंगे, केस लॉस के भी कुछ रिजल्ट होंगे। उसके अलावा सर कभी कभी क्या होता है, लॉ को समझाने के लिए आप अलग अलग तरह का सर्कुलर्स निकाल रहे होते हो, तो वो सर्कुलर्स भी, ये सब सर सब जब ये सारा चीज मिला करके साथ में आप पढ़ोगे तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं थेफ्ट का लॉ। तो सर लॉ क्या होता है? लॉ इज नथिंग बट इट इज रीडिंग द एक्ट, रूल, सर्कुलर, केस लॉस, नोटिफिकेशन एंड एवरीथिंग टुगेदर सो एज टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लॉ। लॉ का करेक्ट इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए सारी चीज आप साथ में पढ़ते हो। तो जब कोई इंसान लॉ बोले ना आपको, तो समझ लेना लॉ इज नथिंग बट इट इज एवरीथिंग। लॉ में सब कुछ मिला करके आता है, बट एक्ट क्या होता है? सर एक्ट एक स्पेसिफिक वर्ड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ब्रॉडर वर्ड है, लॉ ब्रॉडर वर्ड है कि एक्ट ब्रॉडर वर्ड है? व्हाट इज मोर ब्रॉडर, लॉ और एक्ट? हाँ सर, लॉ इज अ मोर ब्रॉडर टर्म, और उसके अंदर एक्ट, रूल्स, क्लॉजेस, केस लॉस, ये सारी चीजें जो है वो आ जाती है। तो सर लॉ और एक्ट में फर्क क्या होता है? लॉ इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, उसके अंदर आप बहुत सारे अलग अलग एक्ट बनाते हो ताकि वो लॉ का कंप्लायंस आप करवा सको। अब सर ये हो गया आपका लॉ और एक्ट का डिफरेंस। पर सर मेरे को एक बात समझ नहीं आया, आपने बोला कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, आपने बोला क्या पढ़ेंगे? कंपनीज एक्ट 2000 पढ़ेंगे, 2013। तो मेरे को बताओ सर, ये कौन सा इंसान है जो एक दिन सो करके उठा और बोला आज से सारी दुनिया में, हमारे इंडिया में जितनी भी कंपनीज सबको एक कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा? किसने बोला? किसके पास इतना पावर था? और ये पावर दे कौन रहा है एक्ट बनाने का या लॉ बनाने का? Who is giving this power? Who has the power to give this power?
तो सर मेरी बात सुनना सर, हमारे इंडिया में जितने भी लीगल पावर्स आते हैं वो कहां से आते हैं सर? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आते हैं सर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया था? अमित शाह ने, है ना? अमित शाह ने बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया था? अरे नहीं सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तुम समझो एक आर्टिकल है, वो वाला आर्टिकल नहीं जो तुम हो, अरे वो आर्टिकल नहीं, एक और आर्टिकल है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 248। मतलब सर जैसे हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर्स होते हैं ना, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। तो वहां पे एक आर्टिकल 248 है, वहां पे क्लियरली पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को कि तुम लोग चाहो ना तो तुम लोग क्या बना सकते हो, एक्ट बना सकते हो। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा ये कैसे पता चलेगा? सीजी बनाएगा कि एसजी बनाएगा? सर सीजी बनाएगा कि एसजी बनाएगा वो पता करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ना वहां पे शेड्यूल बनाया है। उस शेड्यूल में इन्होंने तीन लिस्ट बना रखे, पहला हो गया यूनियन लिस्ट, दूसरा हो गया स्टेट लिस्ट और तीसरा हो गया कंकरेंट लिस्ट। सर यूनियन लिस्ट क्या होगी? यूनियन लिस्ट वो सारी चीजें हो गई जिसपे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है और जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। सर जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, इंडिया के डिफेंस को लेकर के कोई मजाक नहीं, इंडियन आर्मी को लेकर के कोई मजाक नहीं, इंडियन डिफेंस से रिलेटेड जितना भी लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। सर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट क्या है? स्टेट लिस्ट वो है जहां पे लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सर इसमें दो बहुत प्यारी चीज आती है, एक है अल्कोहल और एक है ड्रग। प्यारी मतलब क्या? ड्रग मतलब क्या? मेडिसिन। अल्कोहल मतलब क्या? लिकर। अब मेरी बात सुनो सर, ये दोनों से रिलेटेड लॉ कौन बनाता है? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं अलाउड है। और उसके बाद सर कंकरेंट लिस्ट आता है। कंकरेंट लिस्ट मतलब वो लिस्ट होता है जहां पे सीजी भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों भी क्या कर सकते हैं? दोनों मिलकर के लॉ बना सकते हैं। सर इसमें क्या आता है? इसमें आता है एजुकेशन। एजुकेशन आता है, एजुकेशन के रिलेटेड अगर आप बातें करना चाहते हो तो आप यहां पे बातें कर सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। ये क्या है? ये आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। सर ये तीनों लिस्ट के हिसाब से क्या बनाते हो आप लॉ? अगर यूनियन लिस्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, स्टेट लिस्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट और कंकरेंट लिस्ट है तो दोनों। तुम मेरे को बताओ कंपनीज एक्ट बनाने का पावर, कंपनीज एक्ट बनाने का पावर कौन से लिस्ट में लिखा होगा? कंपनीज एक्ट बनाने का पावर कौन से लिस्ट में लिखा होगा? क्या लगता है तुमको कंपनीज एक्ट बनाने का पावर कौन से लिस्ट में लिखा होगा? सर कंपनीज एक्ट बनाने का पावर आपके यूनियन लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट में आता है यानी कि क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पावर है कि वो कंपनीज से रिलेटेड जो भी लॉ बनाना चाहे बना ले। किससे रिलेटेड? कंपनीज से रिलेटेड जो भी लॉ बनाना चाहे वो बना सकते हैं। समझे? ठीक है। तो सर अब ना कंपनीज एक्ट का पावर किसको मिल गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कैसे मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दे दिया। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है मैं एक्ट बना सकता है। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाएगा कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाएगा कैसे? सर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या हो गया? मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आज की डेट पे आपका बीजेपी हो गया, मान लो। अब सर बीजेपी मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी बोलोगे क्या? आप बोलोगे मोदी जी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या? या मोदी जी बैठ करके एक्ट बनाएंगे क्या? नहीं। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं। अब सर उन मिनिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है आज के डेट में? हु इज आवर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? इतना तो तुमको पता ही होगा बेटा, निर्मला सीतारमन जी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है? निर्मला सीतारमन जी है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ऑर्डर आएगा कि हमको ना कंपनीज एक्ट बनाना है। क्या ऑर्डर आएगा? कंपनीज एक्ट बनाना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करेंगे? सबसे पहले सर एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और कमिटी को बोलेंगे, ओए कमिटी सुन, हमको ना एक नया वाला कंपनीज एक्ट चाहिए, जरा बना के देना। और वो कमिटी बैठ करके पूरा लिख लिख करके जो आपका लॉ है उसको ड्राफ्ट करेंगे। मतलब वो अपने हिसाब से, उनके समझ के हिसाब से पूरा का पूरा एक लॉ ड्राफ्ट करेंगे। मतलब वो लिखेंगे सेक्शन 1 क्या होना चाहिए, 2 क्या होना चाहिए, 3 क्या होना चाहिए। और ये जो ड्राफ्ट बनता है ना जिसमें किसी का अप्रूवल नहीं है, सिर्फ कमिटी ने बना रखा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सर बिलवा। बिलवा नहीं, बिल कहते हैं। ठीक है। बिल मतलब क्या? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया जो ड्राफ्ट है, अभी ये कहीं पे भी अप्रूव नहीं हुआ है। सर एक बार ये जब ड्राफ्ट बन जाता है, आप इसको लेके जाते हो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के पास। किसके पास? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या हो गया? विधानसभा और विधान परिषद हो गया। विधानसभा और विधान परिषद नहीं सर, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हो गया आपका लोकसभा और राज्यसभा।
सर तो आप क्या करोगे, आप पहले लोकसभा के पास ले गए मान लो, फिर उसके बाद आप राज्यसभा के पास ले गए, और राज्यसभा के पास लेके जाने के बाद इसको एक्ट बनाने के लिए जब दोनों हाउस का अप्रूवल आ जाता है ना, इसको आप लेके जाओगे इंडिया के सबसे पावरफुल इंसान के पास। केजीएफ मत बोलना भाई, कौन है इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान? इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लेके जाओगे और प्रेसिडेंट साहिबा को बोलोगे मैडम प्लीज जरा इसको क्या करो, आप इसको प्लीज इस पे अपना असेंट दे दो, इस पे अपना अप्रूवल दे दो। जिस दिन प्रेसिडेंट इस पे अपना असेंट दे देते हैं, बिल क्या बन जाता है? बन जाता है एक्ट। बिल क्या बन जाता है? एक्ट। मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया, समझे तुम? बिल क्या बन गया? अब एक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि अब उस पर प्रेसिडेंट का एसेंट आ चुका है। पर सर एक बात बताओ, तुम आम इंसान, मैं आम आदमी, तुम भी आम इंसान, मैं भी आम इंसान, मेरे को एक बात बताओ, लोकसभा में अप्रूवल हो रहा है, राज्यसभा में अप्रूवल हो रहा है, प्रेसिडेंट एसेंट दे रहे, मेरे को घर बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि मेरे कंपनी के ऊपर एक्ट लग गए? मेरे को घर बैठे बैठे कैसे पता चलेगा? तो लॉ ने बोला हाँ पब्लिक को तो बताना पड़ेगा। तो सर जब एक बार प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है ना, उसके बाद आप ले जा करके इसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करते हो। कहां पे? ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करते हो, जिसको हम कहते हैं ओजी। जब आप ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देते हो ना, तब जाके ये लॉ जो है ये पब्लिक के नॉलेज में आता है और एप्लीकेबल हो जाता है। सर हमारे कंपनीज एक्ट की अगर बात करें तो कंपनीज एक्ट जो है ना वो 29 अगस्त 2013 को उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था, और उसके बाद 30th अगस्त को उसको ऑफिशियल गैजेट पे अपलोड भी कर दिया गया था। 30th अगस्त को गैजेट पे अपलोड कर दिया गया था। और सर समझो कंपनीज एक्ट में आपका सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 470 तक है। अचानक से एक दिन थोड़ी बोलोगे कि आज से लेकर के सेक्शन 1 से लेकर के 470 आज से तुमको अप्लाई हो जाएगा। नहीं सर, तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम बोलोगे पहले आज तुमको इतना अप्लाई होगा, फिर कुछ समय बाद आपको ये अप्लाई होगा, फिर कुछ समय बाद ये, फिर कुछ समय बाद ये। इस तरीके से आप फेज्ड इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। क्या बोला मैंने? आप इसको इस तरीके से फेज्ड इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो कि पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा। सर तो कब क्या अप्लाई होगा वो कैसे पता चलेगा? कब क्या अप्लाई होगा वो आपको अपने ऑफिशियल गैजेट में लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे सेक्शन 1 विल अप्लाई फ्रॉम 30th अगस्त, फिर आप लिखोगे सेक्शन 2 से 42 विल अप्लाई फ्रॉम दिस, फिर सेक्शन 43 से। तो इस तरीके से आप बातें लिखोगे। सर ये कहां पे लिखोगे? आप ऑफिशियल गैजेट में लिखोगे। एक भारी सवाल पूछने वाला हूं, बता देना सही जवाब। भारी सवाल पूछने वाला हूं सर। सर ये जो बिल है इसको मैं अगर लोकसभा की जगह पहले राज्यसभा ले जाऊं और राज्यसभा की जगह बाद में लोकसभा ले जाऊं तो क्या चलेगा? मतलब पहले राज्यसभा ले गया अप्रूव करवाया, फिर लोकसभा ले गया अप्रूव करवाया तो चलेगा? हां कि नहीं? अगर मैं इस तरीके से लेके गया तो क्या चलेगा? The answer is, हाँ जी बेटा चलेगा, एकदम चलेगा, नहीं दौड़ेगा। सर ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। लॉ में लिखा है कि आपको बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव करवाना पड़ेगा, चाहे आप पहले लोकसभा से करवा लो या चाहे आप पहले राज्यसभा से करवा लो। अब सर मेरे को बताओ, यही इसी चीज का एक एक्सेप्शन है, इसी चीज का एक एक्सेप्शन है कि एक ऐसा बिल है जो आपको सबसे पहले लोकसभा के सामने ही रखना पड़ेगा और उस बिल में राज्यसभा का अप्रूवल नहीं लगेगा। कोई आप बता सकते हो? सर ये बिल जो लोकसभा के सामने रखना पड़ेगा और सीधा एक्ट बन जाएगा, सर क्या आप बता सकते हो कौन सा है? जी हाँ सर, ये आपका फेवरेट और चाहिदा बिल है, फाइनेंस बिल, जो हर साल कब आता है? फाइनेंस बिल जो हर साल फरवरी में आता है, मार्च में उसको फिर आप भेज देते हो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए और अप्रैल तक लगभग उसका एसेंट होकर के आ जाता है। सर फाइनेंस बिल जो है जिसमें आपका बजट आता है, सर बजट नहीं पता सर हमारा, तो उसमें अमेंडमेंट आता है ना। हाँ वही, जिसमें तुम्हारा अमेंडमेंट आता है वो पहले लोकसभा के पास जाता है और फिर उसके बाद वो एक्ट बन जाता है, उसको राज्यसभा के पास पहले नहीं ले जा सकते। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। तो इस तरीके से आपका एक एक्ट पिक्चर में आता है। सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? बेटा सर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो अभी पढ़ा दूंगा तो तुमको समझेगा क्या? बताओ, मैं तुमको अगर बोलूं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी के केस में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ से ज्यादा है उसमें कितने होने चाहिए, तो तुम बता पाओगे? नहीं ना। तो शांति तो रखो, वहां पे धीरे धीरे पहुंचेंगे। सर बोर्ड नोट्स मिलेगा जो आप लिखते हो अगर लाइव क्लास पे मिस हो गया तो? हाँ बेटा बोर्ड नोट्स जरूर मिलेंगे, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्लास के साथ साथ ही खत्म कर लो। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि क्लास के साथ साथ नहीं होगा, पर मैं आप ही को बैच के 15 दिन बाद दिखा दूंगा आप ही को कि आप ही के साथ वाले कुछ लोग मेरे साथ लाइव बैठे बैठे इसी तरह का नोट्स बना रहे। तो होता तो है, मेरे को पता है, किया हुआ भी है, देखा हुआ भी है, तुम लोगों ने करना है। पर क्या सर ये जो स्क्रिप्ट नोट्स है क्या आपको अपलोड होकर मिलेंगे? जी हाँ, अभी एक दो दिन शायद नहीं मिलेंगे क्योंकि लेक्चर YouTube पे भी रहेगा, उसके बाद
आपको जो लेक्चर है वो उसके बाद जो नोट्स है वो आपको ड्राइव पे अपलोड होकर के मिल जाएगा, और ड्राइव पे वहां पे आपको जहां पे लेक्चर्स मिलेंगे वहीं पे नोट्स भी अलग से मिल जाएंगे, समझे? जय, आपके अलावा किसी और को प्रॉब्लम है क्या वॉइस की? जय के अलावा किसी और को वॉइस की प्रॉब्लम है? नहीं है। जय, आप प्लीज यार अपने एंड पे चेक कर लो। और बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई बोले कि वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज एक बार तुम फटाफट तुम्हारा भी अपना इनपुट दे देना कि तुमको आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है? चलो गाइस, जय आपके एंड पे चेक कर लो। चलो गाइस, अभी मेरी बात सुनो सर, मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको, किसी ने पूछा सर केस लॉस करवाओगे क्या? सर केस लॉस के बारे में मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। केस लॉस का इतिहास कब बदला था सर? केस लॉस का इतिहास, मेरी बात सुनना, जब आपका 2018 में न्यू सिलेबस आया था ना पहली बार, तब इन्होंने केस लॉस को लेकर के अपना अप्रोच चेंज कर दिया था सीए फाइनल लॉ के पेपर में। सीए फाइनल लॉ के पेपर में, पूरे पेपर में अगर एक केस लॉ आ जाए ना तो वो बड़ी बात है। और वो एक केस लॉ भी क्या, वो केस लॉ का रेफरेंस नहीं रहेगा, वो रेफरेंस तो किसी सेक्शन का ही रहेगा, पर केस लॉस नहीं आते हैं एग्जाम में। आपको पर से केस लॉ पेपर फोर के एग्जाम में कोट नहीं करना पड़ता है, आपको 6D में करना पड़ता है। सर पहले के जमाने में, बीड़े भाई के जमाने में, जब ओल्ड कोर्स हुआ करता था तब भर भर के केस लॉज आते थे। आज भी केस लॉज फाउंडेशन के एग्जाम में आते हैं, पर सर इंटर और फाइनल लेवल में आप पिछले अटेम्प्ट का पेपर उठा करके देख लो या पेपर्स उठा करके देख लो, पूरे एक अटेम्प्ट एक एग्जाम में एक केस लॉ भी आ गया तो बड़ी बात है। तो सर क्या आप बोलना चाह रहे हो केस लॉ कवर नहीं करवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं 100% केस लॉ जितना आपके ICAI मॉड्यूल में आज के डेट में अवेलेबल है वो मैं करवाऊंगा। पुराने केस लॉ जो 3 साल पहले 4 साल पहले मॉड्यूल में थे, जो आज हमारे मॉड्यूल में नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। हम सर सिर्फ क्लासेस में उतने केस लॉस करेंगे जितने ICAI मॉड्यूल में है, और जो अगर एग्जाम में केस लॉ आएगा तो उन्हीं में से आएगा और आप लिख करके आराम से आ जाओगे। तो केस लॉस हम कवर करेंगे, पर केस लॉस को लेकर के घबराना नहीं है आपने। केस लॉ के बारे में ये समझना है कि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट अब के जमाने में नहीं रहे, समझे क्या? समझे क्या बेटा? हाँ सर। उसके बाद सर चलो, ये हो गया सर आपका लॉ वर्सेस एक्ट। अब सर मैं आपको बताता हूं, हम लोग अपना सिलेबस शुरू करते हैं, इससे ज्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम अपन इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपन सर क्लास शुरू कर देंगे। आज से आपका पहला क्लास जिसमें अपन एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम तक के क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। अब मेरी बात सुनो सर, सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं आप लोगों का कंपनीज एक्ट। क्या शुरू करने वाला हूं? कंपनीज एक्ट। सर कंपनीज एक्ट के बारे में मैं बता दूं आपको, सर कंपनीज एक्ट में आपने इंटर में क्या पढ़ा था? इंटर में अगर आपको हल्का सा भी याद होगा, आपने इंटर में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 पढ़ा था। चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था आपने? चैप्टर 1 में सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़े थे। डेफिनेशंस पढ़ने के बाद आप कहां पे आए थे? डेफिनेशंस पढ़ने के बाद आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपने क्या किया था? इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपने प्रोस्पेक्टस बनाया था, प्रोस्पेक्टस बना के आपने मार्केट से पैसा लिया था, और उसके बाद आपने अपने कंपनी का शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर इशू किया था। उसके बाद सर आपने शेयर कैपिटल इशू करने के बाद अपन ने मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर देखा, और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने अपने इंटरमीडिएट में पढ़ी। अब सर कहां पे हम आकर के इंटरमीडिएट में रुके? इंटरमीडिएट में हमने अपना अकाउंट्स ऑफ कंपनीज पढ़ा कि किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होगा, और उसके बाद हमने ऑडिट ऑफ कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर्स पढ़ा कि किस तरीके से हमारा ऑडिट होगा। आपका ये जो दोनों चैप्टर है ना, ये आज के डेट में ऑडिट में भी रेलेवेंट है। और मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पे भी आप कॉन्सेप्ट भूल रहे हो तो इसका रिवीजन ऑडियो जो मेरा इंटर वाला है रिवीजन वीडियो, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल वापस से क्लैरिटी चाहिए तो, ठीक है? तो सर आपका अकाउंट्स और ऑडिट भी आपने यहां तक पढ़ा था, चैप्टर 10 तक आपने सीए इंटरमीडिएट में पढ़ा था। तो सर एक बात बताओ, जब आप एक एक्ट का 10 चैप्टर पढ़ लेते हो तो मतलब आपका बेस तो पूरा वहीं पे हो जाता है, 11th से तो आप उसी बेस पे बिल्ड ऑन कर रहे हो। पर आप टेंशन, मतलब जहां पे भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जो इंटर से रिलेटेड होगा वो मैं पूरा आपको समझाऊंगा, ताकि आपको कोई भी समझने में चैलेंज ना आए। अब सर मेरी बात सुनो, ये आपका पूरा सीक्वेंस आपने पढ़ा था। अच्छा, हमारा सीए फाइनल का सिलेबस कहां से शुरू होता है? चैप्टर 11 से शुरू होता है। तो जो आपका कंपनी लॉ का, आपके जो चैप्टर कंपनी एक्ट का चैप्टर 1 है, वो एक्चुअल में कंपनी एक्ट का क्या है? वो चैप्टर 11 है। मतलब आपके सीए फाइनल में चैप्टर 1 है, कंपनी एक्ट में क्या है? वो चैप्टर 11 है। सर मैं आपको कंपनी एक्ट जब पढ़ाऊंगा ना, तो शुरू में कंपनी एक्ट को मैं 3 पार्ट में, सबसे पहले 2 पार्ट में एक्चुअली डिवाइड करते हैं आपका कंपनी एक्ट, सीए फाइनल वाला जो सिलेबस है,
उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा सर. पहला हो गया डायरेक्टर्स और दूसरा हो गया अदर्स. ये जो डायरेक्टर्स है इसमें तीन चैप्टर आते हैं सर. ये जो अदर्स है इसमें सात चैप्टर आते हैं. डायरेक्टर्स में आपको कम से कम 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दिखेगा, मैं एमसीक्यू छोड़ के बोल रहा हूं, और अदर्स में आपको बाकी के 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दिखेगा. तो मेरे को बताओ सर दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन से है? दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है? सर वापस से वही बात, दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों के अलग अलग मजे हैं. डायरेक्टर्स पढ़ने में टाइम ज्यादा लगता है और उतने ही 25 मार्क्स देके जाता है आपको, पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी चैप्टर्स पढ़ने में भी उतना ही टाइम लगता है, आपको 25 मार्क्स मिल जाते हैं. तो दोनों एक बराबर है, पर सर हमारा अप्रोच अलग अलग रहेगा. डायरेक्टर्स हमारे लिए एक तरफ और बाकी पूरा कंपनीज एक्ट एक तरफ. अब सर डायरेक्टर्स में आपके तीन चैप्टर है. तीन चैप्टर क्या क्या है सर? सबसे पहला चैप्टर है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. दूसरा मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर. दूसरा क्या है? मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर. और तीसरा क्या है सर? तीसरा है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. क्या है? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. दोस्तों मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मतलब क्या? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मतलब आगे चल करके हम समझेंगे, बड़े बड़े जो लोग होते हैं आपकी कंपनी में उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी, उनका रेम्यूनरेशन क्या होगा. सर ये तीन चैप्टर हमारा सबसे प्राइमरी टारगेट है. जब ये तीन चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा ना, सिर्फ तीन चैप्टर खत्म करने पे तुम्हारा 25% सिलेबस खत्म हो जाता है. इतना 25% सिलेबस खत्म हो जाता है. तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर, ये तीन चैप्टर अपना सबसे पहला टारगेट है, और ये तीनों चैप्टर किससे रिलेटेड है? डायरेक्टर्स से रिलेटेड है. तो हम सर सबसे पहले शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. सर क्या आप मेरे को बता सकते हो ये जो चैप्टर है ये कौन से सेक्शन से शुरू होता है और कौन से सेक्शन पे खत्म होता है? सर ये जो चैप्टर है आपको अगर याद होगा, याद तो नहीं होगा ठीक है, आपने सीए इंटरमीडिएट में ना सेक्शन 148 तक पढ़ा था राइट. तो अब सर ये आपका सेक्शन 149 से शुरू हो रहा है और जो ये पहला चैप्टर है ना ये 172 पे खत्म होगा. तो पहला चैप्टर क्या हो गया सर? 149 से 172. दूसरा चैप्टर कहां से शुरू होगा सर? 173 से शुरू होगा और वो चलेगा 195 तक. और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो शुरू होगा 196 से और वो खत्म हो जाएगा 205 पर. इस तरीके से सर आपको सेक्शन 149 से लेकर के 205 तक जाना है. कहां तक जाना है? 205 तक जाना है. बोलो समझा क्या? अरे बोलो डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? हाँ जी सर समझा. अब सर सुनो, चैप्टर नंबर 149 से शुरू होता है और हम लोगों को सेक्शन 149 ही पढ़ना है. पर सर उसके पहले 149 पढ़ने के पहले मैं आपको बहुत सारी चीजें छोटी छोटी समझाना चाहता हूं. मेरी बात ध्यान से सुनना सर, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना सर. एक कंपनी को चलाने वाले ना दो लोग होते हैं. कंपनी को चलाने वाले कौन दो लोग होते हैं सर? क्या आप मेरे को बता सकते हैं? कंपनी को चलाने वाले दो लोग होते हैं, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, है ना? नहीं सर. कंपनी को चलाने वाले दो लोग कौन होते हैं? पहला होता है आपके कंपनी का शेयर होल्डर और दूसरा आपके कंपनी का डायरेक्टर. दूसरा आपकी कंपनी का डायरेक्टर. सर ये शेयर होल्डर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है? सर शेयर होल्डर होता है आपका वो इंसान जो कंपनी के शेयर होल्ड करता है, जो कंपनी में इन्वेस्टेड है. क्यों? क्योंकि उसको बदली में डिविडेंड चाहिए या बदले में वो चाहते हैं शेयर का प्राइस बढ़ जाए और वो प्रॉफिट कमाए. ये कौन हो गया सर? शेयर होल्डर. सर मेरे को एक बात बताओ, एक कंपनी है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में तुमको लगता है कि 1 करोड़ से कम शेयर होल्डर होंगे? नहीं सर, मैं तो मान लेता हूं कि 1 करोड़ शेयर होल्डर होंगे. तो रिलायंस में अगर 1 करोड़ शेयर होल्डर है, कितने? 1 करोड़ शेयर होल्डर है. तो मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज सर, मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर 1 करोड़ शेयर होल्डर है तो सर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं अपना एक धंधा खोल रहा हूं, मैंने अगर एक कंपनी खोली था रैंकर्स वे लिमिटेड, मैंने अपना पैसा डाला, अगर मैंने एक कंपनी में पैसा डाला है तो कंपनी चलाना किसको चाहिए? आइडियली तो मेरे को चलाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने पैसों का ख्याल जितना अच्छे से रखूंगा उतना शायद कोई और ना रखे. पर सर मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर कंपनी अकेला हूं तो चला लूंगा, ये 5-10 लोग तो चला लेंगे. अगर 1 करोड़ शेयर होल्डर एक कंपनी में पैसा डाल रहे हैं तो क्या वो लोग मिलकर के कंपनी चला सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं चला सकते सर, वो ना कभी मिलकर के एक डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे. तो लॉ ने बोला बात तो सही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कंपनी चलाने के लिए हमको कुछ इलाइट ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ शानदार स्मार्ट लोग जो धंधा भी जानते हैं, जो इस फील्ड को भी जानते हैं, उन लोगों को ला करके हमारी कंपनी में अपॉइंट करना पड़ेगा. और उनको जब अपने कंपनी में अपॉइंट करेंगे हम उनको कहेंगे डायरेक्टर्स. क्या कहेंगे? डायरेक्टर्स.
और सर ये तो एक जना डायरेक्टर हो गया, पर जब सारे जनों को मिला करके एक साथ बोलोगे ना तो इसको हम क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या सर, डायरेक्टर्स को मिला करके, एक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सर हमने बोला एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यार देख शेयर होल्डर के पैसे है माना, पर अगर शेयर होल्डर धंधा करने पे उतरेगा ना तो धंधा चल ही नहीं पाएगा। धंधा चलाने के लिए हमको कोई एलाइट बिजनेसमैन चाहिए। सर पैसे लगाना अलग चीज होती है, धंधा चलाना अलग चीज होती है। बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं जो सैलरी जो एम्प्लॉयमेंट में है, बहुत ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, वो लोग पैसा लगा रहे हैं, पर उनको धंधा चलाना आता है क्या, शायद नहीं। तो लॉ ने ये बोला कि बेटा देख शेयर होल्डर अलग होता है, डायरेक्टर अलग होता है, कंपनी चलाने के लिए हमको डायरेक्टर की जरूरत है, डायरेक्टर चलाएगा, पर क्योंकि ये कंपनी में पैसे किसके लगे, शेयर होल्डर के, कल को अगर ये पैसों का लॉस होगा तो वो लॉस किसे, किसका नुकसान होगा, एक्चुअल में किसका नुकसान होगा, वो तो शेयर होल्डर का नुकसान होगा। तो लॉ ने बोला बात तो सही है, तो थोड़ा सा पावर ना हम शेयर होल्डर को भी दे देते हैं बड़ी बड़ी चीजों को लेकर, बड़ी बड़ी चीजों को लेकर जो पावर है ना वो थोड़ा सा हम शेयर होल्डर को दे देते हैं। तो कंपनी सर दो लोग चलाते हैं, एक हो गया आपके शेयर होल्डर, एक हो गए आपके डायरेक्टर्स। अब सर लॉ में ये क्लियरली बाइफरकेटेड है कि शेयर होल्डर का पावर क्या है और डायरेक्टर का पावर क्या है। लॉ में क्लियरली बाइफरकेटेड है कि शेयर होल्डर का पावर क्या है और डायरेक्टर का पावर क्या है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं सर, मान लो फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया कि अगर एक कंपनी लोन लेना चाहती है ना, 10 करोड़ तक का लोन वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ले सकती है। क्या पास करके, बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले लोग मिले और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और उन्होंने अप्रूव कर दिया। पर सर अगर आपको 10 करोड़ से ज्यादा का लोन लेना है तो लॉ में लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन पास, एओए में लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर सबसे पहली बात, अगर एओए में लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना मतलब क्या, आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब यहां पे पावर किसके पास आ गया, शेयर होल्डर के पास। एक बार जब शेयर होल्डर अप्रूव कर दे लोन लेने का काम किसको करना है, काम तो डायरेक्टर ही करेगा भाई साहब। पर हमने क्या बोला, शेयर होल्डर के पास थोड़ा सा पावर दे देते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर क्या कर सकता है, लोन अप्रूव कर सकता है, तभी जाकर के कंपनी लेगी। तो सर दोनों के पास पावर होता है, शेयर होल्डर के पास भी, डायरेक्टर के पास भी। सर क्या आप मेरे को बता सकते हो एओए क्या होता है, व्हाट इज एओए, हवे हवे में बोल दिया सर, पर आपको पता है ना एओए क्या है। सर एओए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और सर इसी के सामने आपका एक और डॉक्यूमेंट आता है एमओए, वो क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सर ये बचपन का प्यार है तुम्हारा, इतनी आसानी से मत भूल के जाना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों आपका क्या होता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट मतलब क्या, इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपकी आपका कंपनी कॉन्स्टिट्यूट होता है या कंपनी बनता है। तो सर ये दोनों लोगों को पावर है। सर मेरा सवाल आपसे ये है, सिंपल शब्दों में मेरे को बताओ ये डायरेक्टर की जरूरत क्या है, What is the need of a director? तो मैंने आपको सबसे पहली जरूरत बताई सर, सबसे पहला जरूरत यह है कि शेयर होल्डर्स जो है ना वो नंबर्स में बहुत ज्यादा है, नंबर्स में बहुत ज्यादा है, और अगर नंबर्स में कोई इंसान इतना ज्यादा होता है ना तो वो जो है वो काम मिल करके नहीं कर सकता, अपने को लिमिटेड लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। दूसरा सर डायरेक्टर की जरूरत ही क्या है, सर सुनो आपको पता होगा कंपनी एक नेचुरल पर्सन होता है, सही बोला ना मैंने, सही बोला कि नहीं मैंने, कंपनी एक नेचुरल पर्सन होता है। मतलब क्या, कंपनी की आंखें होती है, कंपनी चल करके जा सकता है, कंपनी लोगों से बात कर सकता है, कंपनी का भी अफेयर हो सकता है। सर कंपनी एक क्या होता है, नेचुरल पर्सन, करेक्ट बोला ना मैंने, नहीं सर कंपनी एक क्या होता है, कंपनी हमेशा एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब क्या, ना तो कंपनी बातें कर सकता है, ना उसका खुद का दिमाग है, ना कुछ उसके खुद के हाथ पैर है। तो कंपनी अगर फंक्शन करना चाहता है तो उसको किसी और की हेल्प लगेगी, क्या लगेगा, किसी और का हेल्प लगेगा। तो सर वो हेल्प लगेगा तो उसको एक डायरेक्टर, उनको कंपनी में डायरेक्टर तो अपॉइंट करना पड़ेगा ना। और सर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई शुड अ कंपनी हैव डायरेक्टर, क्या जरूरत है कंपनी को डायरेक्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन भैया सेक्शन 149 में लिखा हुआ है कंपनी इज टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 149 का हेडिंग क्या है, कंपनी इज टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो भाई जब सेक्शन ने क्लियरली बोल दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए, तो फिर सवाल जवाब क्या चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं सवाल जवाब, कंपनी ने कह दिया ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए, बोल दिया सो बोल दिया। भाई ने बोला बापू दिखते हैं मतलब दिखते हैं, कंपनी एक्ट ने बोला डायरेक्टर रखने का मतलब रखने का। तो सर आपको इसी वजह से क्या करना पड़ता है, डायरेक्टर अपॉइंट करके आपकी कंपनी में रखना पड़ता है। अब सर मैं आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी देता हूं, एक कंपनी अगर डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है, कंपनी के बीच में और डायरेक्टर के बीच में क्या रिश्ता है,
ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो मैं आपको बताऊं, ये जो रिलेशन है ना, ये दो तरह का रिलेशन है। एक तो प्रिंसिपल एजेंट का भी रिलेशन है। मतलब क्या? मतलब आपका कंपनी प्रिंसिपल हो गया और जो डायरेक्टर है वो एजेंट हो गया। अगर एजेंट जाकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आता है ना, तो सर कंपनी जो है इट विल बी बाइंड बाय सच कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? बिकॉज डायरेक्टर को उसी का एजेंट माना जाता है। तो सर अगर डायरेक्टर जाके कुछ काम करके आ रहा है तो ये माना जाएगा कि वो कंपनी के बिहाफ में जाके काम करके आ रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हाँ जी दोस्त, आएगी नई वाली, आएगी मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है। तो सर अगर कंपनी जो है वो डायरेक्टर के, अगर डायरेक्टर जो है कुछ काम करके आ रहा है तो ये माना जाएगा वो कंपनी के बिहाफ में काम करके आ रहा है। और सर तो इसीलिए प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशन क्यों है? क्योंकि द प्रिंसिपल इज ऑलवेज बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ हिज एजेंट। तो यहां पे डायरेक्टर को एजेंट माना जा रहा है, कंपनी को प्रिंसिपल माना जा रहा है, और एजेंट जो है वो बाउंड हो जाएगा। दूसरा क्या है सर? दूसरा आपका प्रोविजन है, दूसरा ये है कि जब कंपनी और डायरेक्टर के बीच में ट्रस्टी वाला रिलेशन भी होता है। सर ट्रस्टी मतलब क्या? ट्रस्टी वाला रिलेशन मतलब क्या? ट्रस्टी वाला रिलेशन मतलब ध्यान से समझना। अगर मान लो मेरे पास एक ऑडियो, मान लो एक ऑडियो, जान दो ना क्या मानना, ऐसी बातें सोचना ही क्यों। मान लो मेरे पास एक बुलेट है, ठीक है, ये मान सकते हो? हाँ सर, बुलेट है मेरे पास। अब सर मैं अगर इंडिया के बाहर यूएस घूमने जा रहा हूँ, और यूएस जा रहा हूं मैं 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए अगर यूएस जा रहा हूं तो मेरी बुलेट रखूंगा कहां है? घर में तो सड़ जाएगा। तो मैंने ना अपने पड़ोसी को दे दिया, मैंने बोला भाई मैं घूमने जा रहा हूं, तू रख गाड़ी अपने पास, तू चला, तेल डाल के चला। खाली करके दिया मैंने टंकी, ऐसा थोड़ी बुलेट है तो क्या हुआ, पेट्रोल तो महंगा है ना भाई, तो मैंने टंकी खाली करके दिया। मैंने बोला जाके आऊंगा वापस, तो मेरे को मेरी गाड़ी दे देना, तब तू जा, जिसको घुमाना है घुमा, जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा बोल करके मैंने उसको बुलेट दे दिया। तो मैंने उसको 6 महीने के लिए बुलेट दिया, तो क्या मैं वो बुलेट उसका हो गया क्या? क्या वो बुलेट उसका हो गया क्या? नहीं। इज ही द ओनर ऑफ द बुलेट? नो, ही इज होल्डिंग द बुलेट इन अ कैपेसिटी ऑफ अ ट्रस्टी। मतलब वो मेरे भरोसे पे, मेरे लिए वो असेट को होल्ड कर रहा है। सर उसको वो असेट लौटाना पड़ेगा जब मैं वापस आ जाऊंगा। तो सर ये उसके पास ओनरशिप गया क्या? नहीं, ओनरशिप अभी भी किसके पास है? ओनरशिप अभी भी मेरे पास है। तो सर ट्रस्टी का रिलेशन क्या होता है? ट्रस्टी का रिलेशन ये होता है कि कंपनी के जितने भी असेट्स है ना, कंपनी के जितने भी असेट्स है ना, वो असेट्स की जिम्मेदारी किसकी है? डायरेक्टर्स की। कल को वो असेट डैमेज नहीं होना चाहिए, डिटोरिएट नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें ध्यान रखने का काम किसका है बेटा? ये कंपनी का काम है, ये डायरेक्टर का काम है। बिकॉज डायरेक्टर जो है ना वो एक ट्रस्टी भी होता है। डायरेक्टर क्या होता है? वो एक ट्रस्टी भी होता है। तो पूरा काम डायरेक्टर का है। तो डायरेक्टर सर एजेंट भी है और ट्रस्टी भी है। आप एजेंट सर, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर सच क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम। सी आई एम टेलिंग यू, इंस्टीट्यूट नोज वेयर टू हिट। इंस्टीट्यूट को पता है अगर मेरे को जो लेवल का पेपर सेट करना है, वो पेपर का लेवल, वो लेवल का पेपर सेट करने के लिए मेरे को क्या क्वेश्चन पढ़ना है, क्या क्वेश्चन डालना है। इंस्टीट्यूट को अच्छे से पता है आप क्या पढ़ के जाते हो और क्या छोड़ के जाते हो। हमारे एबीसी एनालिसिस का वीडियो इंस्टीट्यूट भी देखता है, उसमें वो बोलता है अच्छा तुम्हारे हिसाब से इसी चैप्टर में है, अच्छा बेटा अब देखो। तो सर मैं ये बोल रहा हूं कि सारी चीजें इस तरीके से, मैं आपको एक चीज मेरी क्लास के बारे में बता देता हूं, कोई भी चीज मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा जिसका एग्जाम में आने का चांसेस जीरो है। कोई भी चीज सर, अपने पास एक्स्ट्रा बातें करने का समय है क्या? आपने बताओ ये बैच में एक्स्ट्रा बातें करने का समय बचता भी है क्या? नहीं ना। तो जितनी भी बातें हो रही है सारी 100% एग्जाम में उठ करके आने की कैपेबिलिटी रखती है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टर इज एन एजेंट एंड अ ट्रस्टी फॉर अ कंपनी बोथ, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन, फुल स्टॉप। चार नंबर। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात और प्लीज मेरी बात समझो, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि कंपनी जो है वो डायरेक्टर में, डायरेक्टर और कंपनी के बीच में क्या रिलेशन होता है? असेट का रिलेशन, ये अपना एजेंट का रिलेशन होता है, ट्रस्टी का रिलेशन होता है। एजेंट का रिलेशन क्यों होता है बेटा? क्योंकि प्रिंसिपल जो भी, जो डायरेक्टर जो भी काम करेगा उसके वजह से कंपनी जो है वो बाउंड हो जाएगा। और लेकिन अपने पावर के अंदर रह के, अपने पावर के अंदर रह करके, क्योंकि आपको पता है एजेंसी का रिलेशनशिप तभी काम करता है अगर आप पावर के अंदर रह करके काम कर रहे हो। और ट्रस्टी क्यों सर? क्योंकि कंपनी के सारे असेट्स आपने डायरेक्टर के पास सौंपे, पूरा कंपनी का पैसा डायरेक्टर के पास रहेगा, सब कुछ डायरेक्टर के पास रहेगा। तो अगर आप किसी को इतने भरोसे पर अपॉइंट कर रहे हो, वो आपका ट्रस्टी बनेगा। और ट्रस्टी बनेगा मतलब क्या? उसको आपके सारे असेट्स और प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझे? समझे क्या बेटा? हाँ क्या? चलो सर हाँ मेरी बात सुनो।
अब सर मैंने आपको बता दिया डायरेक्टर की क्या जरूरत थी और डायरेक्टर का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टर को क्या माना जाता है। तो सर डायरेक्टर की जरूरत क्या थी मेरे को बताओ। डायरेक्टर की जरूरत तीन थी। डायरेक्टर की जरूरत क्यों थी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला रीजन था शेयर होल्डर बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और तीसरा सेक्शन 149 क्लियरली मांग रहा है। और सर मेरे को बताओ डायरेक्टर दो तरह का रिलेशन रखता है, पहला क्या हो गया एजेंट वाला और दूसरा क्या हो गया ट्रस्टी वाला। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। उसके बाद सर अब हम प्रैक्टिकली हमारा प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे। ध्यान से सुनना सर, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं। सर सेक्शन 149 क्या पढ़ने वाले अपन? सेक्शन 149। सेक्शन 149 क्या कहता है? सेक्शन 149 कहता है कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हर कंपनी के पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। उसमें सर सबसेक्शन आता है सबसेक्शन 1। सेक्शन के अंदर क्या आता है सर? सबसेक्शन आता है। उम्मीद है बचपन में आपको यह बताया गया होगा कि आपका सेक्शन शुरू होता है, सेक्शन के नीचे सबसेक्शन होता है, सबसेक्शन के नीचे क्लॉज होता है, और क्लॉज के नीचे क्या होता है सब क्लॉज होता है। अब सर इनको लिखने का एक फॉर्मेट है। देखो सेक्शन जैसे आ गया नंबर में, सर सबसेक्शन आता है ब्रैकेट में इस तरीके से, ये मैंने 1 लिखा। उसके बाद क्लॉज आता है अल्फाबेट में, उसके बाद सब क्लॉज जो आता है वो रोमन नंबर में आता है इस तरीके से। इस तरीके से आपका सब क्लॉज आता है। तो सर अगर आपको लिखना है तो आप लिखोगे 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 3 या 2। समझे सर? समझे? ये लिखने का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ये लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्या आप समझे सर तरीका? 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 2। सर मैंने आपको क्या कहा? सेक्शन 149 कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कहता है? वो कहते हैं ईच कंपनी, एवरी कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट, लिख लो दोस्तों मेरे साथ, लिख लो अपने नोट्स में, लिख लो प्लीज। जो भी जैसे भी देख रहे हैं अपने नोट्स में ये वाला प्लीज लिख लो, आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। सौरभ कहते हैं सर आईसीआई मॉड्यूल लगेगा क्या? बेटा जो मेरा समरी नोट्स है वो आईसीआई मॉड्यूल ही है, कसम से मेरी बात मानो। इट इज नथिंग बट आईसीआई मॉड्यूल रिटन इन माई ओन विथ माई ओन हैंड्स। ठीक है, पढ़ो सर। एवरी कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर consisting of individual, consisting of individuals as follows: minimum, maximum. सर लॉ में क्या लिखा है? लॉ में ये लिखा है कि एवरी कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? इंडिविजुअल्स एज फॉलोस। मिनिमम कितने होंगे सर? अभी हमने क्या बोला, हर कंपनी को ना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने की जरूरत है। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने डायरेक्टर्स होंगे? क्या मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 1000 डायरेक्टर रख दू? नहीं सर, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सर क्या मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक डायरेक्टर रखू? एक बार रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक जना कंपनी चला पाएगा क्या? और एक जने को कंपनी चलाने देना सही भी रहेगा क्या? नहीं ना। तो एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट देना पड़ेगा। तो मान लो हमने कह दिया कि मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए। कितने? मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, नहीं 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। कितने? 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। सर आप मेरे को एक बात बताओ, 3 डायरेक्टर होने चाहिए, अच्छा बोले तुम, पर मेरे को एक बात बताओ, इज इट फेयर टू 1 पर्सन कंपनी? 1 पर्सन कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं सर? एक। एक मेंबर 3 डायरेक्टर है, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा क्या? अगर वन जो इकलौता मेंबर है उसको 3 डायरेक्टर रखना है, ठीक है उसकी मर्जी है, पर तुम उसमें मिनिमम 3 रखना है, अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मिनिमम का लिमिट है ना, ये हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर तुम पब्लिक कंपनी हो तो तुम 3 डायरेक्टर रखो, पर अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो ना तो तुम 2 डायरेक्टर रखो। हद तो ये हो गई, सुनो। अगर तुम ओपीसी हो ना तो तुम सिर्फ एक ही डायरेक्टर रख लो, काम चल जाएगा। एक ही डायरेक्टर में भी तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएगा, पर मिनिमम इतने लोग तो होने चाहिए। क्या कहा मैंने? मिनिमम इतने लोग तो होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट कंपनी में 2, और 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ आई दोस्तों? अरे बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? हाँ सर। अब मैं सुन लो, पहले प्रोविजन सुन लो, फिर मैं सवाल पूछूंगा, सारे जवाब गलत दोगे तो ठीक है।
सर मैं को एक बात बताऊं, मिनिमम इतने होने चाहिए, मैक्सिमम 1000 डायरेक्टर रख दूं तो काम चल जाएगा क्या? नहीं ना सर, तो एक मैक्सिमम लिमिट बताना पड़ेगा। अब मैक्सिमम लिमिट कितना है? लॉ ने बोला कि मैक्सिमम आपकी कंपनी में 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। कितने डायरेक्टर्स? 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। पर सर अब एक बार ध्यान करो, जैसे कंपनीज आपकी रिलायंस इंडस्ट्री होगी जिसके 50 तो बिजनेस है, सर वो 50 बिजनेस वाली कंपनी को अगर आप ये बोलोगे कि बेटा तेरी कंपनी में ना सिर्फ 15 ही डायरेक्टर हो सकते हैं, तो 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं कर सकता, क्या वो बुरा नहीं मान जाएगी? हाँ सर, वो तो बिल्कुल बुरा मान जाएगा। तो इसीलिए लॉ ने ये प्रोविजन बनाया कि अगर तेरे को 15 डायरेक्टर नहीं चाहिए, 15 डायरेक्टर से ज्यादा चाहिए, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? तेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों सर? अगर आप 16 डायरेक्टर, 17 डायरेक्टर, 60 डायरेक्टर, 80 डायरेक्टर, जितने डायरेक्टर रखना चाहते हो, आपको एसआर पास करना पड़ेगा। सर देखो, कंपनी किसकी है मेरे को बताओ, कंपनी किसकी है? कंपनी शेयर होल्डर की है। अगर शेयर होल्डर राजी है तो लॉ क्या करेगा? अरे अगर शेयर होल्डर बोल रहे हैं मेरे को 15 से ज्यादा डायरेक्टर चाहिए, डायरेक्टर बोल रहे हैं हमको 15 से ज्यादा डायरेक्टर चाहिए, जब शेयर होल्डर राजी फिर आपका डायरेक्टर राजी, तो क्या करेगा लॉ जी? क्या कर लेगा लॉ? कुछ नहीं कर सकता। उसने बोला एसआर पास करो, कर लो 15 से ज्यादा डायरेक्टर। तो सर आपके मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे? 3, 2, 1। पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, और 1% कंपनी में 1। और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? मैक्सिमम आपके 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। 15 डायरेक्टर से भी ज्यादा रखना है तो रख सकते हो, लेकिन एसआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। सर अब मेरे को एक बात बताओ, ये रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री में 3 डायरेक्टर थे, 1, 2 और 3। पहला डायरेक्टर कौन है सर? पहला डायरेक्टर है राम, दूसरा डायरेक्टर है श्याम, और तीसरा डायरेक्टर जो है ना सर, वो रिलायंस के ऊपर एक कंपनी है, रिलायंस ओटीटी लिमिटेड, रिलायंस ओटीटी लिमिटेड करके एक कंपनी है। वो कंपनी को इन्होंने बोला तू डायरेक्टर बन जा भाई, 3 डायरेक्टर हो गए। क्या सर ये लॉ, ये रिलायंस जो है लॉ का कंप्लायंस कर रहे हैं? रिलायंस में आपको बता दूं एक पब्लिक कंपनी है, क्या ये लॉ का कंप्लायंस कर रहा है? द आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि रिलायंस को लॉ में ये लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब इंसान, नेचुरल पर्सन। सर मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, यस बोलने वाले बच्चों मेरी बात सुनो, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर्स क्यों बैठा रहे हो? क्यों बैठा रहे हो डायरेक्टर्स? तुम इसीलिए बैठा रहे हो ताकि कोई कंपनी को चला सके ना, तुम इसीलिए बैठा रहे हो क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अरे तो आर्टिफिशियल पर्सन अगर है तो यहाँ रिलायंस ओटीटी भी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, ये क्या करेगा? कभी तुम देखे गया वो देखा रिलायंस ओटीटी ऑफिस आया है? अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, ये भी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, ये यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ के उखाड़ेगा क्या? हमारा तो पर्पस ही नहीं सॉल्व हो रहा ना। तो लॉ ने बोला बेटा बकवास नहीं करो, तुम यहाँ पे क्या रखोगे? सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही रखोगे। अब सर अगर 3 इंडिविजुअल है, अगर 3 इंडिविजुअल है तो क्या ये आपका पब्लिक कंपनी कंप्लायंस कर रहा है? जी हाँ सर, अगर 3 इंडिविजुअल है तो आपके मिनिमम 3 डायरेक्टर हो गए और आप कंप्लायंस में हो। अब सर मैक्सिमम कितने डायरेक्टर रख सकते हो? मैक्सिमम हमने कहा 15 डायरेक्टर रख सकते हो। 15 से ज्यादा अगर जाना है तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? एसआर यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या बेटा? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या? सर मेरे को बताओ, अगर लॉ में लिखा है कि पब्लिक कंपनी के केस में, लॉ में लिखा है कि मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए होते हैं हमको? मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। पर सर मेरी बात सुनना, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या एक डॉक्यूमेंट है? हाँ सर। सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा रहता है? एओए में आपकी कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है। क्या रहता है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब What is the meaning of internal rules and regulations? Internal rules and regulations का मतलब है कि कंपनी के अंदर की बातें, कंपनी के अंदर की बातें और कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी वो लिखा रहता है। अब सर एक बात मान के चलो कि अगर AOA में ये लिखा है कि नहीं नहीं हमारे कंपनी में मिनिमम 3 नहीं, हमारे कंपनी में तो हम मिनिमम 4 डायरेक्टर रखेंगे, तो मेरा सवाल ये है क्या AOA में ऐसा प्रोविजन आप लिख सकते हो? और दूसरा, अगर लॉ में लिखा है कि मिनिमम हम कितना रखेंगे, मिनिमम हम 3 डायरेक्टर रखेंगे, और एओए कह रहे हैं नहीं नहीं हम मिनिमम 3 नहीं, हम मिनिमम 2 रखेंगे, क्या आप एओए में ऐसी चीज लिख सकते हो? मेरे को बताओ, क्या केस 1 में यस, केस 2 में यस? बताओ मेरे को, केस 1 में क्या है, केस 2 में क्या है? सर केस 1, क्या आप एओए में ये लिख सकते हो मिनिमम 4 डायरेक्टर होंगे? द आंसर इज यस।
क्या आप केस टू में ये लिख सकते हो मिनिमम दो डायरेक्टर होंगे? द आंसर इज नो. क्यों सर? क्योंकि तुम समझो तुम्हारे जिंदगी में एक सेक्शन था बचपन में जहां पे ये लिखा था एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए. मतलब क्या, अगर एओए एमओए में कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो जीतेगा कौन? आपका लॉ जीतेगा. अब सर समझो, लॉ बोल रहा है कि यार मेरे को कम से कम तीन डायरेक्टर तो चाहिए. तुम और स्ट्रिक्ट होकर के ये बोल रहे हो तीन नहीं मेरे को तो चार चाहिए, तो क्या तुम स्ट्रिक्ट हो सकते हो? हाँ सर बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो सकते हो. पर अगर लॉ ये कह रहा है नहीं मेरे को मिनिमम तीन डायरेक्टर चाहिए, तुम बोल रहे हो नहीं नहीं तीन नहीं मेरा दो में काम चल जाएगा, अरे ये तो लॉ का नॉन कंप्लायंस हो गया ना. एए में लिखने से क्या होता है, ये तो लॉ का नॉन कंप्लायंस हो गया. लॉ जब बोल रहे हैं तीन चाहिए तो दो कैसे बोल रहे हैं? तो मिनिमम तीन तो चाहिए ही. तो आप ये समझो सर, एओए जो है ना वो हमेशा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है आपके लॉ से. एओए जो है वो आपके लॉ से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, पर लॉ को ज्यादा लीनियंट नहीं बना सकता. लॉ को ज्यादा हार्श बना सकता है, स्ट्रिक्ट बना सकता है, पर लॉ को लीनियंट नहीं बना सकता. अब सर सिमिलर लाइंस में अगर मैं आपको ये बोलूं कि लॉ में लिखा है कि मैक्सिमम, लॉ में अगर लिखा है कि मैक्सिमम मतलब अति से अति ज्यादा से ज्यादा 15 डायरेक्टर होंगे, क्या आप ये बोल सकते हो नहीं नहीं मेरी कंपनी में 15 मैक्सिमम तो 18 डायरेक्टर होंगे? या फिर लॉ में अगर लिखा है कि 15 डायरेक्टर होंगे मैक्सिमम, क्या आप अपने एओए में ये बोल सकते हो कि नहीं नहीं भैया हम तो 12 ही डायरेक्टर रखेंगे सर, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे? क्या आप इस तरह का प्रोविजन बना सकते हो? सर ये केस थ्री हो गया और ये केस फोर हो गया, आप बताओ. सर केस थ्री का आंसर है नो. सर आपको लॉ ने बोला मैक्सिमम 15, तो आप मैक्सिमम 15 रख सकते हो, 18 नहीं रख सकते. अगर आपको रखना है ना तो आप एसआर पास करो. पर सर अगर आपका लॉ में लिखा है मैक्सिमम 15, तो क्या आप 12 रख सकते हो? द आंसर इज यस. क्यों सर? आप लॉ को और ज्यादा स्ट्रिक्ट ही तो बना रहे हो ना. लॉ ने तो फिर भी 15 तक का अपॉर्चुनिटी दिया था, आपने 12 तक ही रखा. तो सर इस तरीके से एओए जो है वो लॉ से और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है. सर समझने के लिए सिंपल बात समझो. सर मैं आपको लॉ और एक्ट, लॉ और एओए में एक फर्क बताता हूं. एक सिंपल सी बात समझो सर, अगर मैं अभी सैटरडे रात को पार्टी करने जाऊंगा, तो सैटरडे रात को जब पार्टी करने जाऊंगा ना, तो मेरे पापा मेरे को क्या बोलते हैं हर बार जब भी पार्टी करने जाता हूं, तो पापा कहते हैं बेटा रात को 1 बजे के पहले पहले वापस आ जाना. कितने बजे के पहले पहले आ जाना? 1 बजे के पहले पहले वापस आ जाना. तो सर पापा जाते जाते तो ऐसा बोल दिया 1 बजे के पहले वापस आ जाना. जब मम्मी दिखी ना, तो मम्मी मेरे को क्या बोल सकती है? तो मम्मी मेरे को ये बोल सकती है कि बेटा पापा तो ऐसे ही बोलते रहते 1 बजे तक आ जाना, तो आराम से कल सुबह 6 बजे आना, कोई दिक्कत नहीं है. तो क्या मम्मी मेरे को ये बोल सकती है कि बेटा पापा ने बोला 1 बजे आ जाना, पर तू ज्यादा देर तक मत रुकना, 11 बजे घर वापस आ जाना? क्या मम्मी ये बोल सकती है? हाँ सर मम्मी ये जरूर बोल सकती है कि 11 बजे आ जाना, पर मम्मी ये नहीं बोल सकती कि सुबह 6 बजे आना. क्यों सर? अगर पापा ने रात के 1 बजे का टाइम दिया है, तो आप 11 बजे का करके उसको क्या कर रहे हो? और स्ट्रिक्ट कर रहे हो. इंटेंट समझो लॉ का, इंटेंट समझो. पर अगर आप नहीं बेटा ये बिल्कुल भी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन नहीं है, बिल्कुल भी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन नहीं है, कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज मत होना, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कुछ और ही है. पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 1 बजे के पहले अगर बोल रही है कोई समय मम्मी, तो वो बोल सकती है. क्यों? क्योंकि वो और स्ट्रिक्ट बना रहे, पर 1 बजे के बाद वाला समय नहीं बोल सकते. तो सर लॉ हो गए पापा और एओए हो गई मम्मी. अब मम्मी को जो है पापा से ज्यादा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा तो ठीक है, पर ढीले नहीं बन सकते. क्यों? क्योंकि 11 पापा ने 1 बजे बोल दिया ना, तो वो अल्टीमेटम है. समझे क्या तुम? अरे मालिक समझे क्या? बोलो हाँ. तो सर ये हो गया आपका क्या प्रोविजन, बेसिक प्रोविजन कि आपके एक कंपनी में मिनिमम 15 तीन डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर 1 डायरेक्टर होने चाहिए पब्लिक प्राइवेट या ओपीसी रेस्पेक्टिवली में, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए सर? 15. सर ये क्या मैक्सिमम पब्लिक के लिए भी है? हाँ. क्या ये मैक्सिमम प्राइवेट के लिए भी है? हाँ. क्या ये मैक्सिमम ओपीसी के लिए भी है? हाँ. सबके लिए यही मैक्सिमम है. पर सर अगर आप 15 के ऊपर जाना चाहते हो, तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा. विशाल कहते हैं सर मेरे को तो पापा की परमिशन लेनी पड़ती है मम्मी से कल. सर मेरे को तो पापा को परमिशन, अच्छा मेरे तो पापा को परमिशन लेनी पड़ती है मम्मी से कि कितने बजे तक अलाउ करूं या ना करूं. वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस. बात तो सच है वैसे. हाँ सही बात है. पर सर देखो ये तो कहने की बात है, अल्टीमेटली हम तो परमिशन लेके जाते हैं पापा से, पापा परमिशन लेके जाते हैं मम्मी से. ठीक है, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जो भी कहे ना मम्मी ही होती है ना. वो तो बस मम्मी ने जब ऐसे ही पापा हाई कोर्ट को बोल दिया चल तू सुप्रीम कोर्ट बनने की एक्टिंग कर ले, पर होते असल में सुप्रीम कोर्ट वो खुद ही है. सुनो मेरी बात, सुनो सर आगे की क्या कहानी है. अब सर आपके एग्जाम की कुछ बातें सुनो पूछूंगा मैं आपको, आपके एग्जाम की कुछ बातें पूछूंगा मैं आपको, मेरी बात ध्यान से सुन करके समझ के जवाब देना. सर अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड, और मैं आपको इसकी हालत बताता हूं,
ए लिमिटेड में, ए लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, एक्ट में लिखा है कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, पर सर उन्होंने क्या किया, उन्होंने होशियारी मार के अपने एओए में लिख दिया कि हमारे कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे, मैक्सिमम डायरेक्टर 12 होंगे, कितने होंगे 12 होंगे। अब सर मेरी एक बात समझो, 12 डायरेक्टर हो गए थे कंपनी में अपॉइंटेड, 12 डायरेक्टर हो जाने के बाद ये ए लिमिटेड ने डिसाइड किया कि हम एक और कंपनी को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एक और डायरेक्टर को ऐड करेंगे और हमारे टोटल डायरेक्टर कितने हो जाएंगे 13, टोटल डायरेक्टर कितने हो जाएंगे 13। मेरा सवाल ये है, क्या आप ये एक डायरेक्टर को और ऐड कर सकते हो क्या, और अगर हाँ तो कैसे, क्या आप ये एक और डायरेक्टर ऐड कर सकते हो और अगर हाँ तो कैसे। सर देखो, अगर आप एक और डायरेक्टर ऐड करोगे ना, क्या एक्ट को कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, पर सर प्रॉब्लम कहां पे हो रही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एओए में लिखा है कि सर 12 डायरेक्टर हो सकते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ऑल्टर एओए को, क्या करना पड़ेगा, एओए को ऑल्टर करना पड़ेगा, और एओए को ऑल्टर करने के लिए क्या पास करना पड़ता है सर, आपको पास करना पड़ता है स्पेशल रेजोल्यूशन। सर ये जो एओए का ऑल्टर है ना, ये आपके सेक्शन 14 में होता है, कहां पे होता है, सेक्शन 14 में होता है, तो एओए का ऑल्टरेशन करना पड़ेगा, और एओए का ऑल्टरेशन करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप एक और डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। अब सर उसके बाद 13 डायरेक्टर हो गए, 13 के बाद आपने बोला एक और करना है, तो आपने बोला एक और करना है, तो एक काम कर, 14 डायरेक्टर्स फिर से ऑल्टर कर एओए, आपको क्या पास करना पड़ेगा ये साथ, फिर आपने बोला एक और करना है, चल ठीक है ना भाई एक और कर ले, फिर से ऑल्टर कर ले एओए, एसआर पास कर ले। सर क्या मैं यहीं पे जब एओए ऑल्टर कर रहा था तो क्या यहीं पे मैं 12 को काट करके 15 कर सकता था, जब मैं पहली बार एओए को ऑल्टर कर रहा हूं तब क्या ये 12 के लिमिट को काट करके मैं 15 कर सकता था? जी हाँ बिल्कुल कर सकते थे, आप बिल्कुल 15 कर सकते थे, या तो आप 3 बार कर लो या एक बार कर लो, ठीक है, अगर एक बार में करोगे तो यहां पे एसआर नहीं लगेगा, और अगर 3 बार करोगे तो 3 बार एसआर लगेगा। पर सर आप समझो, आप 15 डायरेक्टर पे आ गए, आपका एओए कहता है, एओए कहता है कि हमारे कंपनी में 15 ही डायरेक्टर रहेंगे, पर सर एओए बोल क्यों रहा है, उसने बस ऐसे ही बोल दिया कि लॉ में भी लिखा है 15 डायरेक्टर होंगे, एओए में भी लिखा है 15 डायरेक्टर होंगे। अब सर एक डायरेक्टर और अपॉइंट करना है, सर वो एक डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर अब आपका टोटल क्या हो जाएगा 16, तो ये एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, बोलो बोलो। सर मेरी बात ध्यान से सुनना, सर अगर आप ये एक डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो ना, तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक जो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 अभी आपने पढ़ा, उसमें लिखा है कि 15 से अगर ज्यादा होते हैं तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, तो चलो यार एसआर तो पास कर दोगे, पर जैसे ही 15 से ज्यादा हो रहे आपका एओए में भी तो 15 का लिमिट लिखा है ना, तो आपको एओए भी तो ऑल्टर करना पड़ेगा ना, तो एओए ऑल्टर करने के लिए आपको एक दूसरा एसआर पास करना पड़ेगा, तो आपको दो अलग अलग एसआर पास करना पड़ेगा, पहला एसआर एओए को ऑल्टर करने के लिए और दूसरा एसआर 15 से ज्यादा अपॉइंट करने के लिए, क्या करने के लिए, 15 से ज्यादा अपॉइंट करने के लिए। तो सर यहां पे आपको दो एसआर पास करने पड़ेंगे, सबसे पहले आप एओए को ऑल्टर करोगे और फिर उसके बाद मैं नंबरिंग चेंज कर देता हूं, सबसे पहले आप ये वाला एसआर पास करोगे फिर आप ये वाला एसआर पास करोगे। ये वाला एसआर क्यों पास करोगे सर, क्योंकि आपको एओए को ऑल्टर करना है। ये वाला एसआर क्यों पास करोगे, क्योंकि आपको 15 से ज्यादा, क्या कहा मैंने आपको, 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने तो लॉ में लिखा है, समझे। हाँ सर अब तो मेरे को एक बात बताओ, अब सर आपने वापस से हमारे सेक्शन पे आ जाए, सेक्शन क्या लिखा है, एवरी कंपनी शैल कंस्टिट्यूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एज फॉलो, मिनिमम इतने डायरेक्टर और मैक्सिमम इतने डायरेक्टर। अब सर मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम से ज्यादा जाने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा, पर सर लॉ में हमेशा एक मजा जरूर होता है लॉ का, वो होता है एक्सेप्शन। क्या होता है लॉ का मजा, एक्सेप्शन। लॉ ये कहता है कि बेटा तुमने दो प्रोविजन बोला, एक तो मिनिमम डायरेक्टर्स का और एक मैक्सिमम डायरेक्टर्स का, मिनिमम डायरेक्टर्स कितना 3-2-1, मैक्सिमम कितना 15 से ज्यादा अगर तुमको जाना है तो तुम पास करो एसआर। अब सर लॉ ने बोला कि ये मिनिमम का प्रोविजन तो ठीक है, पर ये जो पूरा का पूरा मैक्सिमम वाला प्रोविजन है ना, दिस विल बी नॉट एप्लीकेबल टू, ये जो पूरा का पूरा मैक्सिमम वाला प्रोविजन है, इट विल बी नॉट एप्लीकेबल टू टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, पहला गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, पहला गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, ये दोनों को ये वाला ऊपर वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा वाला प्रोविजन, ध्यान से देखो सर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर और 15 डायरेक्टर के ऊपर एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन। अब सर ये जो दोनों प्रोविजन है ना, ये एप्लीकेबल दोनों सेक्शन को एप्लीकेबल नहीं होगा, शर्त सिर्फ ये है कि इन्होंने, ये दोनों कंपनी ने सेक्शन 92
और सेक्शन 137 का फुल कंप्लायंस किया है। क्या किया है? फुल कंप्लायंस किया है। कौन से दो सेक्शन का? एक हो गया आपका सेक्शन 92 और एक हो गया आपका सेक्शन 137। आपने ये दोनों भी सेक्शन का क्या किया है? पूरा कंप्लायंस किया है। सर आराम आराम से सुनते जाओ, सारी चीजें समझ आएगी। प्लीज मेरी बात सुनो, आपका बेस बन रहा है, जल्दबाजी मैं भी नहीं कर रहा हूं, तुम भी मत करना, मेरे को इस क्लास के बेसिस पे जज मत करना। जो बच्चे अगर इस क्लास को कभी भी डेमो के हिसाब से देख रहे हो ना, मैं तुमको बता दूं, मैं ये प्रिटेंड नहीं कर रहा हूं स्लो पढ़ाने का, पर मैं शुरू के 8 से 10 लेक्चर आपको वैसे ही स्लो पढ़ाता हूं। उसके बाद सर जब आपका और मेरा रिदम बैठ जाता है और आपका और लॉ का रिदम बैठ जाता है ना, फिर मैं गाड़ी डालता हूं फोर्थ गियर में, फिर एक महीने बाद गाड़ी फिफ्थ गियर में, फिर गाड़ी फिफ्थ सिक्स्थ गियर में। बेटा गाड़ी में सिक्स्थ गियर होता है, तुम सीए फाइनल में हो, तुम्हारे पास एक्सयूवी 700 जैसी गाड़ी है, तुमको सिक्स्थ गियर में डालना ही होगा। तुम अगर बोलोगे मैं फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड गियर में गाड़ी चलाऊंगा तो मंजिल बहुत दूर हो जाएगी बेटा, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी मैं आपका पूरा बेस बना रहा हूं, पूरी चीजें समझा रहा हूं, बहुत सारी चीजें इंटर की भी वापस याद दिला रहा हूं, मेरे को अपना बेस बनाने दो तुम्हारा। एक बार जब ये बेस बन जाएगा ना, इतना स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा कि इसके ऊपर कितना भी ठोकूंगा मैं, हिलेगा नहीं बेस आपका। समझ रहे हो मेरी बात? अरे बोलो हाँ या नहीं, चैट पे बोलो हाँ या नहीं। बेटा प्लीज इसको जरा इंटरेक्टिव क्लास रखिएगा, हाँ या नहीं बताओ मेरे को चैट पे बच्चों, प्लीज। हाँ आगे बढ़े सर। चलो ठीक है, ओके गाइस, ग्रेट, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। चलो सर, क्या कहा मैंने? मैंने आपसे क्या कहा? मैक्सिमम डायरेक्टर का जो प्रोविजन है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होने चाहिए। वो प्रोविजन किसको नहीं अप्लाई होगा? गवर्नमेंट कंपनी को और सेक्शन 8 कंपनी को। सर गवर्नमेंट कंपनी क्या होते हैं? अभी के लिए आप ये समझो, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। सर सेक्शन 8 कंपनीज क्या होते हैं? सेक्शन 8 कंपनीज आपने पढ़ा है, वो कंपनीज होते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना पेपर पे नहीं होता है, जिनका पेपर पे ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता है, जिनका पेपर पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाएंगे, हम दान पुण्य का काम करेंगे, वो हो गए सेक्शन 8 कंपनी। अब सर ये दोनों कंपनी को हमने बोला कि देख भाई ये मैक्सिमम 15 डायरेक्टर वाला लिमिट हम तेरे लिए नहीं लगाएंगे, तेरे को तेरे हिसाब से जो भी मैक्सिमम लगता है ना तो वो ठीक ठीक लगा ले, हम तेरे पे इंटरवेंशन नहीं करेंगे। और सर जब मैक्सिमम 15 डायरेक्टर का लिमिट ही नहीं लगता है, 15 से ज्यादा रखने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा, ये भी लिमिट नहीं लगेगा। आप समझ रहे हो? जब हमने यही नहीं बोला कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होंगे तो 15 से ज्यादा के लिए एसआर पास करना है, ऐसा क्यों बोलेंगे हम? वो भी नहीं बोलेंगे। तो सर ये दोनों कंपनी के लिए क्या एप्लीकेबल नहीं है? ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। पर सर ये दोनों कंपनी को, सर ये दोनों कंपनी को जब हमने बोला ये प्रोविजन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्या ये एक तरह का रिलीफ है इनके लिए? Is it one kind of relief for them? Is it a kind of relief for them? Yes, absolutely it is a relief for them. तो लॉ ये कहता है रिलीफ है ना, वेरी गुड। अब एक बात समझो, आप लोगों को ये रिलीफ हम तभी देंगे अगर तुम हमारी दो शर्त मानोगे। सर ये जो दो शर्त मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये जिंदगी में आगे आने वाले आपके हर एक्सेप्शन में उठा करके छाप देना, आपके आधे नंबर तो इसके मिलेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ये दोनों कंपनीज को ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, शर्त ये है कि तुमने सेक्शन 92 और 137 का कंप्लायंस किया है। सर सेक्शन 92 क्या है? सर सेक्शन 92 टॉक्स अबाउट एनुअल रिटर्न, और सेक्शन 132 क्या है? 137 क्या है सर? सेक्शन 137 है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों अब क्या होता है, अब जब आपके कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, मान लो फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 खत्म हुआ, तो जब फाइनेंशियल ईयर 24 कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2024 को खत्म हुआ। अब सर उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको एक मीटिंग बुलानी पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एजीएम। 6 महीने के अंदर अंदर क्या बुलाना पड़ेगा? एजीएम बुलाना पड़ेगा। अब सर एजीएम बुलाने के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका जैसे ही एजीएम हो जाता है ना, उसके 30 डेज के अंदर आपको आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। और सर उसके बाद 60 डेज के अंदर, मतलब यहां से 60 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? अपना एनुअल रिटर्न बना के, पूरे साल का चिट्ठा बना करके वो भी आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। सर क्या बोला मैंने? 30 डेज के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न, ये दोनों आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। सर ये दोनों से क्या होता है? ये दोनों से होता ये है कि इस कंपनी के बारे में खबर रहती है,
कि कंपनी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक खबर रहता है। तो सर अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है या अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है, उसको किसी भी सेक्शन में अगर एग्जेम्पशन चाहिए ना, तो ये दोनों रिटर्न बराबर फाइल होने चाहिए। सर अगर ये दोनों रिटर्न में आपने डिफॉल्ट किया ना बेटा, तुम ये एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा, पर साथ में तुम्हारी जोरदार बैंड बजाएंगे वो अलग, बहुत जोरदार बैंड बजाएंगे, पर सर ये दोनों आपको क्या करना पड़ता है, ये दोनों आपको फाइल करना पड़ता है। तो सर जब भी आपको एग्जेम्पशन लिखोगे ना, आप लिखोगे दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी प्रोवाइडेड दैट सच कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92 और सेक्शन 137 सॉरी एंड 137 सेक्शन 92 वाला क्या है एनुअल रिटर्न और 137 वाला क्या है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या तुमको मेरी बात समझ आई, बोलो हाँ कि नहीं। अरे बोलो ना बेटा, यस और नो बेटा, समझ आया आपको पक्का। सर ये था आपका सबसेक्शन 1 का एक पार्ट। सबसेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में अभी तक हमने क्या पढ़ा, 149 सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा मिनिमम 3-2-1 डायरेक्टर्स होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं 15 डायरेक्टर। अगर 15 से ज्यादा चाहिए एसआर पास कर लो, पर ये दोनों ही प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा गवर्नमेंट कंपनी को और सेक्शन 8 कंपनी को। शर्त यह है गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी ने सेक्शन 92 और 137 का कंप्लायंस करके रखा है। अभी तक हमने ये पढ़ा, उसके बाद सर हमने एक और चीज पढ़नी है अभी, प्रोविजो। सर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, सर ये देखो, ये आपका रिलायंस का क्या है, ये आपके रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का लिस्ट है। ये क्या है रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, अच्छा ये नहीं, ये नहीं, ये क्या है आपके रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का लिस्ट है। सर कौन है ये आपने लीडरशिप। अब सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ चीजें देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मुकेश अंबानी है, ये देखो मुकेश अंबानी है और ये नीता अंबानी है, ये दोनों है। उसके बाद सर यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर्स है, गिनते हैं एक बार कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितने डायरेक्टर्स है सर टोटल। टोटल आपकी कंपनी में 14 डायरेक्टर्स हैं। बोलो कितने डायरेक्टर्स हैं, 14 डायरेक्टर्स हैं। अब सर एक बात बताओ, 14 डायरेक्टर्स में एक चीज की बहुत कमी लग रही है। अगर आप एक बार के लिए इनको हटा दो, अरुंधति भट्टाचार्य को यहां से हटा दो, अरुंधति भट्टाचार्य जो आपको यहां पे दिख रही है, एक बार के लिए इनको हटा दो। सर यहाँ पे नीता अंबानी भी है, इनको भी हटा दो, क्यों, क्योंकि नीता अंबानी तो इसकी मालकिन है तो उसका नाम यहाँ पे है। तो सर अगर ये दोनों को हटा दो तो बाकी सब आपको क्या दिख रहे, मेल 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 डायरेक्टर दिख रहे, सारे लड़के लड़के दिख रहे। अब सर हमारे कंपनीज एक्ट को ये लगा कि हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना बायसनेस है, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लड़कियों को वो सीट्स दिए नहीं जाते हैं, वो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सीट्स जो है वो लड़कियों को दिए नहीं जाते। ऐसा किसको लगा सर, ऐसा हमारे कंपनीज एक्ट को लगा। तो कंपनीज एक्ट ने बोला यार ये तो गलत है। तो कंपनीज एक्ट ने बोला कि जब हम डायरेक्टर की बात कर ही रहे ना, तो एक और लाइन लिख देते हैं, क्या लाइन, कि प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज, कौन से कंपनीज, प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज जो होते हैं ना, उन लोगों को हम बोलेंगे कि उन लोगों को कम से कम एटलीस्ट एक विमेन डायरेक्टर तो बैठाना पड़ेगा। प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज मतलब जो कंपनीज का हम नाम बताएंगे उनको कम से कम एक विमेन डायरेक्टर तो अपने बोर्ड में बैठाना पड़ेगा। सर आप यहां पे प्रेस्क्राइब लिखते हो उसका मतलब क्या है, जब भी आप कभी लॉ में प्रेस्क्राइब लिखते हो तो उसका मतलब क्या है, प्रेस्क्राइब मतलब आप पावर दे रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट तू ना इससे रिलेटेड रूल्स बना ले, और रूल्स बना के तू जो भी डिसाइड करेगा वो हमारे लिए मंजूर है। रूल्स बना के जो भी डिसाइड करेगा, सर आप एक बहुत सिंपल सी बात समझो, सर रूल्स बनाने की जरूरत क्या पड़ती है, कोई मेरे को बता सकते हैं, व्हाई हैव वी गिवन द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स, व्हाई, कैन यू टेल मी व्हाई, बोलो। सर एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको, सिंपल सा पॉइंट बताऊंगा। सर आपके ना सीए, आपके ना कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है 2 clause 85, क्या है 2 clause 85, मैं आपको बताने के लिए बता दूंगा पर आपके सीए फाइनल के लॉ के सिलेबस के लिए रेलेवेंट नहीं है, शायद आप ऑडिट में पढ़ते हो 2 clause 85। सर 2 clause 85 क्या होता है, स्मॉल कंपनी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, स्मॉल कंपनी मतलब क्या होता है, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना। सर स्मॉल कंपनी मतलब एक कंपनी होता है विच इज अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब एक प्राइवेट कंपनी है other than public company having paid up share capital of less than equal to 2 crore or turnover of less than equal to 20 crore. रुको जरा, सबर करो, अमेंडमेंट वमेंडमेंट मत चिल्लाना, मेरी बात सुनो। पेड ऑफ शेयर कैपिटल क्या है आपका, 2 करोड़ या उससे कम, या फिर टर्नओवर क्या है 20 करोड़ या उससे कम, ये क्या हो गया आपका पेड ऑफ शेयर कैपिटल का डेफिनेशन। मान लो सर लॉ में ये चीज लिखी होती, मान लो ये चीज लॉ में लिखी होती, एक्ट में लिखा होता क्या कि पेड ऑफ शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 20 करोड़ से कम होना चाहिए। सर ये एक्ट कब बन गया, 2013 में। सर उसके बाद आप आ जाओ 2023 में, 2023 में आप क्या देखोगे, 2023 में आप ये देखोगे कि यार ये जो एक्ट बना रखा है इन्होंने, ये जो उसमें 2 करोड़ और 20 करोड़ तो बहुत कम होते हैं, क्या होता है आजकल 2 करोड़ में, हम इसको अमेंड करके 4 करोड़ और 40 करोड़ करना चाहते हैं।
सर अगर अमेंड करके 4 करोड़ और 40 करोड़ करना चाहते थे तो इनको क्या करना पड़ता सर? समझो, आपको जब एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ता है ना, तो आपको अमेंडमेंट बिल बनाना पड़ता है, वो बिल लोकसभा के पास ले जाना पड़ता है, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट का असेंट, और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ऑफिशियल गैजेट में डालना पड़ता है। ऑल दीज थिंग्स फॉर व्हाट? फॉर जस्ट अ चेंज इन द लिमिट, फॉर जस्ट अ बेसिक चेंज इन द लिमिट, यू आर डूइंग सो मच ऑफ किचकिच। तो सर क्या ऑप्शन है? सर इन्होंने बोला कि हम तुमको पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट बताएंगे नहीं, हम तुमको क्या बताएंगे? पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड टर्नओवर सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब जब आपने प्रिस्क्राइब करने बोल दिया ना, तो पावर आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू में 2 करोड़ और 20 करोड़ का लिमिट प्रिस्क्राइब किया था, फिर अचानक से एक दिन नोटिफिकेशन निकाला और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये लिमिट चेंज हो गया और ये लिमिट 4 करोड़ और 40 करोड़ हो गया। आज के दिन में प्रैक्टिकली ये लिमिट कितना है? 4 करोड़ और 40 करोड़ हो गया, और काफी टाइम हो गया ये अमेंडमेंट को, ठीक है? तो 4 करोड़ और 40 करोड़ हो गया है। तो सर ये जो 4 करोड़ और 40 करोड़ है, ये करना इतना आसान क्यों हो गया? क्योंकि सर अब आपको बिल लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट कुछ नहीं, आपने सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया। इतना पावर तो दे ही सकते हो ना यार। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाता है? रूल्स। रूल्स क्यों बनाता है? ताकि अमेंडमेंट जो है वो इजिली हो सके। अब सर प्रेस्क्राइब क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? प्रेस्क्राइब किया क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने रूल्स बनाने का पावर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, ध्यान से सुनो सर, उसने बनाया रूल्स। सर रूल्स का नाम याद करना जरूरी है क्या? हाँ सर, रूल्स का नाम जो होता है ना, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। मेरे को एक बात बताओ, ये चैप्टर का नाम क्या है? ये चैप्टर का नाम क्या है? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अब सर ये चैप्टर में जितने भी रूल्स बनेंगे ना, उसका नाम क्या होगा? कंपनीज ब्रैकेट में अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। सर आपको यह पता होगा कि आपका कंपनीज एक्ट जो है वो आया था 2013 में। ये सब इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट वगैरह सब आपने बचपन में पढ़ लिया। कंपनीज एक्ट आया था 2013 में। 2013 के अगले ही साल 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया और क्या कर दिया? रूल्स प्रिस्क्राइब कर दिए। तो सर 2014 में रूल्स आए थे, और रूल्स का नाम आप कैसे लिखते हो? कभी भी शुरू में लिखना कंपनीज, ब्रैकेट में डालना चैप्टर का पूरा नाम, और लास्ट में डाल देना रूल्स, और ईयर मोस्टली जो है 2014 ही रहेगा। तो पूरा चैप्टर का नाम जो होता है वो रूल के नाम में उठ करके आता है, तो वो हमेशा याद रखना। अब सर रूल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रेस्क्राइब किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि बेटा दो तरह की कंपनीज, या तो आप लिस्टेड कंपनी हो या फिर आप अनलिस्टेड कंपनी हो। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो ना, तो आपको एक वुमेन डायरेक्टर तो बैठाना ही पड़ेगा। पर अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर आपका टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो लॉ कहता है बेटा इस केस में आपको भी एक वुमेन डायरेक्टर बैठाना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी कंपनी ऐसी है, आपकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपको भी एक वुमेन डायरेक्टर बैठाना पड़ेगा। सर आपका या तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, एक वुमेन डायरेक्टर। सर वुमेन डायरेक्टर हम क्यों बैठा रहे बताऊं? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लॉ का यह मानना था, कॉर्पोरेट जब कंपनी लॉ बना था ना, तो कंपनी लॉ बनाने के पीछे, कंपनीज एक्ट बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा एक रिपोर्ट बना था कि हम लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं, क्या अमेंडमेंट कर रहे हैं, और क्या नया प्रोविजन ला रहे हैं कंपनी लॉ में। तो वहां पे जब वुमेन डायरेक्टर के प्रोविजन की बात आई ना, तो वहां पे एक लिखा रहता है रैशनल। रैशनल मतलब क्या? इस चीज को करने के पीछे रीजन क्या है। तो उनका मानना कहीं ना कहीं ये भी था कि जब हम वुमेन डायरेक्टर को बोर्ड पे लाएंगे ना, तो वुमेन, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, उसकी इंटेग्रिटी बढ़ेगी। सर देखो कितनी प्यारी बात है कि अगर आपका वुमेन डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इंटेग्रिटी बढ़ेगी, क्योंकि उनका यह मानना है कि कल को अगर फ्रॉड होगा तो शायद वुमेन डायरेक्टर उनको रोकने की कोशिश करेगी, या वुमेन डायरेक्टर वो होगी जो सबसे पहले आकर के मार्केट में चिल्ला चिल्ला के बताएगी कि फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि हमको एक वुमेन डायरेक्टर की जरूरत है। अब मेरी बात समझो, कि कौन से कंपनीज को? सर देखो सर, हर कंपनी को तो तुम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सर एक डायरेक्टर बैठाने का बर्डन भी आता है। अगर मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, और मेरी प्राइवेट कंपनी में समझो ए बी सी तीन मेंबर है, और ये तीन मेंबर ही बैठ करके डायरेक्टर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको कॉस्ट नहीं करना, खर्चा नहीं करना डायरेक्टर का। तुम इस पर फोर्स करोगे कि नहीं नहीं तू एक डायरेक्टर को लाके बैठा, वुमेन होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। ये क्या बात हुई यार, छोड़ना यार, तू बड़े बड़े कंपनी पे ध्यान दे। और बड़े बड़े कंपनी मतलब क्या? लिस्टेड कंपनी तो है ही आपका, और अनलिस्टेड में उन पे ध्यान दे दो जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है। अब सर आप मेरे को बताओगे,
सर ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है, ध्यान रखना। अब सर आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको तीन कंपनी के बारे में बताऊं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी प्राइवेट लिमिटेड, दो चार कर लेते हैं, और डी लिमिटेड, ठीक है, आप मेरे को बताना ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी प्राइवेट लिमिटेड और डी लिमिटेड। अब सर आप मेरे को बताओ कि अगर ए लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर मैं आपको बताऊं, तो आप मेरे को बताना विमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल है कि नहीं है, और सारे के सारे क्या है सर, अनलिस्टेड, क्योंकि आपको पता है लिस्टेड को तो एप्लीकेबल होता ही है, चाहे पेड अप शेयर कैपिटल कुछ भी हो। चिराग जो आपने सवाल पूछा और उसके ऊपर जो आप एक लाइन भी लिख रहे हो नो रिप्लाई ऑन टेलीग्राम, बेटा बार बार वही वही चीज नहीं बता सकता, आप जाकर के अपने 6D का वहां पे जहां पे आपने क्लासेस लिया है वहां पे जाकर के एक बार ड्राइव देखो, वहां पे मैंने ऑलरेडी समरी नोट्स के हेडिंग में भी डाला है और समरी नोट्स का अलग से वीडियो भी बना करके डाला है कि कितना अपडेटेड है, क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत बेटा आपके एंड से करना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चा अगर अपने मन का छोटा छोटा जो एडमिन रिलेटेड सवाल है मुझसे पूछेगा तो मैं कैसे मैनेज करूंगा, है ना चिराग, ठीक है। और ये वो तो फोरम नहीं है जहां पे आप ये सवाल पूछे, ठीक है। चलो गाइस थैंक यू, निकलो, मेरी बात सुनो सर, अनलिस्टेड कंपनी के लिए मैंने क्या कहा, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ये चार कंपनी है। फ्लो तो उठ जाता है यार चिराग, पूरा डिस्टर्ब कर दिया, रुक तो जाओ यार बेटा प्लीज। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी प्राइवेट लिमिटेड और डी लिमिटेड, मेरी बात ध्यान से सुनना। ए लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल अगर क्या है मान लो 100 करोड़, और टर्नओवर क्या है 300 करोड़ 400 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल क्या है 100 करोड़ और टर्नओवर क्या है 400 करोड़, तुम मेरे को बताओ क्या विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? जी हां सर, इसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो जरूर एप्लीकेबल होगा। दूसरा सर अगर मैं आपको बोलू बी लिमिटेड है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल है 90 करोड़ और टर्नओवर है 310 करोड़, क्या अब इसको एप्लीकेबल होगा? क्या इसको एप्लीकेबल होगा? सर आप अपने रेफरेंस के लिए बाजू में यहां पे लिमिट डालो, यहां पे लिमिट है 100 करोड़ का, यहां पे लिमिट है 300 करोड़ का, कितने का 300 करोड़ का, ठीक है। तो 100 करोड़ का जो लिमिट है वो देखो ये तो नहीं मीट हो रहे, पर 300 करोड़ वाला लिमिट मीट हो गया। सर ये दोनों मीट होना चाहिए था कि कोई एक मीट होना चाहिए था? दोनों होना चाहिए था कि कोई एक होना चाहिए था? कोई एक होना चाहिए था। तो सर यहां पे भी आपको विमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको मैंडेटरी विमेन डायरेक्टर बैठाना पड़ेगा। तीसरा सर सी प्राइवेट लिमिटेड, टर्नओवर 150 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ है, टर्नओवर 450 करोड़ है, क्या इसको विमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो जो लिमिट था वो सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए था। डी लिमिटेड के बारे में बात करूं सर, अगर इसका पेड अप शेयर कैपिटल 110 करोड़ है, टर्नओवर 290 करोड़ है, अब क्या एप्लीकेबल होगा इसको? क्या अब एप्लीकेबल होगा इसको? The answer is yes, अब इसको एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक कंपनी भी है, पेड अप शेयर कैपिटल लिमिट के ऊपर जा रहे हैं लेकिन टर्नओवर लिमिट से कम है। तो ये कंडीशन से आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं सर। मैंने क्या बोला कि ये आपका अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है। दोस्तों क्या होता है, जब हम क्लास में कोई बात सुन रहे होते हैं ना तो हमको ऐसा लग रहा होता है हमको समझ आ गया, पर जब हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप अटकते हो और कुछ ना कुछ आप सीखते हो, क्योंकि कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चों ने तो सी प्राइवेट लिमिटेड में भी यस बोला ना, तो कहीं ना कहीं आप अटकते हो। तो आपको जब इस तरह के अलग अलग केस लॉस केस स्टडीज करवाओ तो उसमें ध्यान देना और अपना आंसर मेरे से पहले देना सोच के, ताकि गलत हो तो फट से क्लिक कर जाएगी यार क्या हो गया, समझे। अब सर इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, विमेन डायरेक्टर बैठाना पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने क्या किया, देखो सर नीता अंबानी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आएगी चाहे लॉ बोले या ना बोले, नीता अंबानी तो आएगी ना, उसका बैठना या ना बैठना कौन डिसाइड करता है, मुकेश अंबानी डिसाइड करेगा। पर मेरे को एक बात बताओ, क्या यहां पे इस लेडी को क्यों बैठाया गया है? क्योंकि दिस लेडी इज श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। व्हाट इज शी? शी इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या है सर वो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब क्या सर? अभी वो, अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिखा है, क्या है वो हम कल की क्लास में समझेंगे, पर आप ये समझो ये क्या है, ये विमेन डायरेक्टर है। विमेन डायरेक्टर मतलब सर, बिकॉज रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी, उनको एक विमेन डायरेक्टर बैठाना ही था। सर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है वो हम थोड़ी देर में समझेंगे, पर क्या आपको इतनी सी बात समझ आई? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर ये तो मेरे को समझ आया सर। क्या ब्रेक मिलेगा? एक कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं ये वाला, फिर देखते हैं। मेरे को लगता है आज अपन फिर 9:30 9:40 तक क्लास खत्म कर देंगे, कल से अपन एक 10 मिनट का ब्रेक लेकर के 10 मिनट क्लास लास्ट में एक्सटेंड करेंगे। मेरी बात सुनो दोस्तों, सर आज तो बिल्कुल भी हैवी नहीं है ना पागल, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है,
मैं तो ये कहूंगा प्री पार्टी के पहले की तैयारी है क्या, ठीक है, प्री पार्टी के पहले की तैयारी, फिर प्री पार्टी शुरू होगा, फिर पार्टी होगा, फिर आफ्टर पार्टी होगा, फिर आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो करते हैं वो पार्टी है, समझे क्या, ये वो पार्टी है, वहां तक पहुंचना है हमको, मेरी बात समझो। सर मैंने क्या कहा, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी दो होते हैं, उसके बाद आप लोगों को विमेन डायरेक्टर बैठाना पड़ेगा। अब सर मेरे को एक सिंपल से बात का जवाब दो, सर ये विमेन डायरेक्टर बैठाने के लिए आपने बोला पेडअप शेयर कैपिटल देखेंगे और टर्नओवर देखेंगे, सर ये पेडअप शेयर कैपिटल और टर्नओवर कब का देखते हैं हम? सर ये पेडअप शेयर कैपिटल और टर्नओवर जो है ना, आप हमेशा आप लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखते हो, कब का, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एक सिंपल सा बात समझो, अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हुआ, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 24-25 खत्म हुआ, यहाँ पे 31 मार्च 25 खत्म हो गया और यहाँ पे 31 मार्च 24 है। अब सर मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे पेड ऑफ शेयर कैपिटल है 110 करोड़, और सॉरी यहाँ पे पेड ऑफ शेयर कैपिटल है 90 करोड़ और टर्नओवर है 290 करोड़, और उसके बाद सर 31 मार्च 2025 को पेडअप शेयर कैपिटल हो गया 110 करोड़ और टर्नओवर हो गया 310 करोड़। अब सर मेरे को बताओ, फर्स्ट अप्रैल 2025 को क्या विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा? क्या फर्स्ट अप्रैल 2025 को क्या विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, येस और नो? क्या विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा? द आंसर इज सर, द आंसर इज, बोलो तुम लोग बोलो, यस बोलो यस। सर द आंसर इज नो। क्यों नहीं सर? क्योंकि आप क्या देखोगे, आप लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे। सर 31 मार्च वाला तो अभी ऑडिट शुरू होगा ना, ये वाला ऑडिट आपका खत्म हो चुका है और ये ऑडिट के हिसाब से अभी भी आप लिमिट के अंदर ही हो। ये वाला आप नहीं देखोगे, ये वाला आप कब देखोगे सर? जब ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो जाएगा ना, वो कब तक होगा? एक मान लो 6 महीने के अंदर एजीएम तो करना ही है, तो 6 महीने के अंदर ऑडिट भी हो जाएगा, तो मैक्सिमम 30 सितंबर तक हो जाएगा। तक आप वेट करो, उसके बाद भले आप ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना, पर तब तक तो आपको ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही देखना होगा। कि आपको मेरी बात समझ आई? अरे बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। पर सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लॉ में एक चीज लिखा है इन्होंने, लॉ में इन्होंने एक चीज लिखी है कि सर विमेन डायरेक्टर आपने बोला कि अपॉइंट करना होगा। सर एक जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है, मतलब अभी नया नया ताजा ताजा कंपनी बनाए, उसको कब अपॉइंट करना पड़ेगा सर विमेन डायरेक्टर? तो लॉ में एक प्रोविजन लिखा है, ध्यान से सुनना। लॉ कहता है कि वेयर इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब अगर एक नया नया कंपनी बना है, एंड एंड द प्रोविजन ऑफ विमेन डायरेक्टर इज एप्लीकेबल, प्रोविजन ऑफ विमेन डायरेक्टर इज एप्लीकेबल, तो लॉ ये कहता है तुमको विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। कितने समय के अंदर सर? आपके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर के 6 महीने के अंदर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर के 6 महीने के अंदर। क्या बात कर रहे हो सर? लॉ में यही लाइन लिखा है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन एक बार लिख लो। लॉ में क्या लाइन लिखा है? लॉ में ये लिखा है कि न्यूली इनकॉर्पोरेटेड अगर एक कंपनी है, नया नया एक कंपनी बना है, और अगर उसको एंड साथ साथ में उसको अगर विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन भी अप्लाई होता है ना, तो लॉ कहता है अपने इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर अंदर विमेन डायरेक्टर बैठा देना। सर ये थोड़ा सेंस थोड़ा गलत नहीं लग रहा है? कैसे सर? सर मान लो अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 15th April 2024 को, कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 15th April 2024 को, चलो 15th April 2023 ले लो। अब सर 15th April 2003 को बनी हुई कंपनी 31st March 2024 को उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर खत्म होगा, ईयर खत्म होगा तो वो 30th September 2024 तक अपना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा सबसे पहला, और वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पता चला मान लो पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया 120 करोड़ का, या फिर टर्नओवर कितना हो गया 400 करोड़ का, पता चला सर 30th September 2024 को ऑडिटेड बन गया। लॉ क्या कहता है कि तुम न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी थे, क्या तुमको अभी प्रोविजन एप्लीकेबल है? नहीं, अभी तो तुमको एप्लीकेबल नहीं है, पर तुमको प्रोविजन एप्लीकेबल कब होगा? जब तुम्हारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया, तो यहां पे तुमको प्रोविजन अप्लाई हुआ, पर तुम अपॉइंट कब करोगे विमेन डायरेक्टर को? तो लॉ कहता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर के 6 महीने के अंदर। अरे बेटा ये तो कांड हो गया ना, कांड समझो। लॉ में क्या लिखा है, अगर आप एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो और जब आपको प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा, तो देखो सर नया नया कंपनी जब बनता है पहली बार, तो सीधा लिस्टेड तो नहीं बनता,
पहली बार आप पब्लिक बनोगे या प्राइवेट बनोगे या 1% कंपनी बनोगे, फिर आगे बढ़ते बढ़ते लिस्टेड जाओगे। ऐसा देखा है, कल एक लिस्टेड कंपनी आ गई अचानक से, पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी, 0 साल था। नहीं सर, दूसरा आप अगर पहला पहला कंपनी बना रहे हो तो पहले ही दिन 100 करोड़ का, ये 300 करोड़ का टर्नओवर तो नहीं हो जाता। पर हाँ सर, अगर हो भी जाता है तो क्या उस दिन आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? सर मान लो आपने नई कंपनी बनाई और उस नई कंपनी में खुद ही आपने 200 करोड़ डाल दिया। कितना डाला? खुद ही 200 करोड़ डाल दिया, तो आपको पता है प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। पर क्या आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? नहीं ना, तो तुमको कैसे पता? तो सर आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है समझो, 15 अप्रैल को कंपनी बनी, पता कब चला एप्लीकेबल होगा? 30 सितंबर को। तो अब लॉ कहते हैं 6 महीने के अंदर क्या कर देना, अपॉइंट कर देना। कैसे करेगा भाई, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो आ गया ना। तो सर यहाँ पे ये जो प्रोविजन है ना, ये इनकम्प्लीट और अनक्लियर है, वेग है। यही प्रोविजन कब एक क्वेश्चन में बैठ सकता है पता है? क्वेश्चन में ऐसा बैठेगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2023 को। कब इनकॉर्पोरेट हुई है? चलो मान लो 31 दिसंबर 2023 को। और इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। अब सर उसके बाद इसका ऑडिट हो गया मान लो 15 अप्रैल 2024 तक। ऑडिट में पता चला क्या कि भैया तेरे को ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, अब जाके तुम इनकॉर्पोरेशन से 6 महीने के अंदर, 6 महीना मतलब क्या होगा आपका 30 जून के अंदर अंदर आप क्या करोगे, ऑडिटर, ये अपना वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। बट अदरवाइज आप क्या कर लोगे? सर आप सिंपल सी बात समझे क्या, लॉ में जो प्रोविजन लिखा है वो सिर्फ इसी केस में बैठता है, और किस केस में नहीं बैठता है? अगर आप ऊपर वाला एग्जांपल देखोगे तो इस केस में तो लॉ का प्रोविजन डिफीट हो जाएगा ना, आप कैसे 6 महीने के अंदर इनकॉर्पोरेट करोगे? पर फिर भी सर एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा ना, इसी टाइप में आएगा, इस टाइप में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सर आपको क्या समझना है, अगर एक नया नवेला कंपनी बनाए और उसको प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है तो उसको 6 महीना के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। कब से? 6 महीना डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 6 महीना के अंदर अंदर वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है। क्या तुमको मेरी बात समझी? अरे बोलो बेटा, डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? यस सर, यू अंडरस्टूड। सर ये क्या था, आपका वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन था। अब मेरे को एक बात बताओ सर, अगर एक कंपनी ने वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया 7 साल के लिए, सर 5 साल के लिए वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, किसको? अरुंधति भट्टाचार्य को अपॉइंट कर दिया। नाम याद करो क्या है, अरुंधति भट्टाचार्य। और सोचो नीता अंबानी नहीं है, ओले नहीं काटते, मान लो नहीं है ये, नीता अंबानी नहीं है, ठीक है, मान लो नीता अंबानी नहीं है। तो नीता अंबानी अगर नहीं है तो क्या होगा? अगर अरुंधति भट्टाचार्य को 5 साल के लिए अपॉइंट किया और 2 साल के बाद अगर अरुंधति भट्टाचार्य ने रिजाइन कर दिया तो क्या होगा? सर रिजाइन कर दिया या किसी कारणवश वो ऑफिस नहीं ज्वाइन कर रहे, उन्होंने क्विट कर दिया, कुछ भी, और अगर मान लो डेथ हो गई, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होगा? सर ये आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑफिस है, समझो ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑफिस है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग केबिन्स है, ठीक है, इसमें से एक केबिन किसका था? इसमें से एक केबिन था वुमेन डायरेक्टर का। क्या अब ये केबिन वेकेट हो जाएगा? क्या अब ये ऑफिस खाली हो जाएगी? हाँ सर। सर ये जो खाली हुआ, क्या ये प्लांट मैनर में खाली हुआ? मतलब जैसे कि अगर आपने 5 साल के लिए अपॉइंट किया किसी को और 5 साल खत्म हो गए, तो उसके बाद जो खाली हुआ वो तो प्लांट मैनर में खाली हुआ, पर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं? वो वैकेंसी को हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। क्या कहते हैं? कैजुअल वैकेंसी। क्या वर्ड कहते हैं सर? कैजुअल वैकेंसी। या फिर सर आप यहां पे एक और वर्ड यूज कर सकते हो, यहां पे आप बोल सकते हो कि इंटरमिटेंट वैकेंसी हुई है। क्या हुआ है? इंटरमिटेंट वैकेंसी। इंटरमिटेंट वैकेंसी मतलब क्या? रस्ते में जा रहा था, आधा अधूरा समय पे वैकेंसी हो गया, तो बीच में वैकेंसी हो जाने को क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट वैकेंसी। सर अब ये इंटरमिटेंट वैकेंसी का करोगे तो करोगे क्या? ये ऑफिस हो गई है खाली, तो खाली छोड़ दोगे कि क्या करोगे? बोलो बोलो बेटा, क्या करोगे? सर अगर आपके वुमेन डायरेक्टर के पोजीशन में इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाती है ना, तो लॉ कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तेरे को ये वैकेंसी क्या करना पड़ेगा? फिल करना पड़ेगा, और जल्द से जल्द फिल करना पड़ेगा। कितनी जल्दी सर? बहुत जल्दी फिल करना पड़ेगा। कितनी जल्दी सर? लेकिन लॉ ने बोला यू विल हैव टू फिल दिस वैकेंसी विद इन 3 मंथ्स और इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। अब तुम मेरे को बताओ बेटा, तुम मेरे को बताओ, ये जो दोनों कंडीशन है विद इन 3 मंथ्स और इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर होगा कि विच एवर इज अर्लियर होगा? विच एवर इज लेटर होगा कि विच एवर इज अर्लियर होगा? तुम मेरे को बताओ। लॉ बोल रहा है कि अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, इंटरमीडिएट वैकेंसी अगर हो जाती है, तो 3 महीने के अंदर भरना या अगले बोर्ड मीटिंग के अंदर भरना? अगले बोर्ड मीटिंग के अंदर। तो तुम कब भरोगे? विच एवर इज लेटर कि विच एवर इज अर्लियर?
सर प्रैक्टिकली सोचो, दोनों एक बार ट्राई करते, अगर ऑफिस में वैकेंसी हो गई 1 जून 2023 को, कब वैकेंसी हो गई 1 जून 2023 को, और आपका अगला अगला बोर्ड मीटिंग कब है, अगर अगला बोर्ड मीटिंग आपका 3 जून को है, मतलब 2 दिन बाद ही है, और अगर लॉ आपको ये बोल दे यू हैव टू फिल द वैकेंसी व्हेन विद इन 3 मंथ्स और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, सर विद इन 3 मंथ्स मतलब क्या हो गया, 1 जून के सामने 3 मंथ्स हो गए, जून जुलाई अगस्त, तो सर आपका विद इन 3 मंथ्स हो गया 31 अगस्त, ठीक है, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तो सर 2 ही दिन बाद है 3 जून, विच एवर इज अगर अर्लियर लिख देता तो कांड हो जाता ना भाई, तो कांड हो जाता, क्यों, कांड विद अ के, हा कांड, ठीक है बेटा, कांड विद अ के, तो कांड हो जाता, क्यों सर, क्योंकि आपने विच एवर इज अर्लियर लिखा मतलब आपको 3 जून को भरना पड़ेगा, अरे 1 जून को तो उसने रिजाइन किया है, 3 जून के अंदर कैसे भर दे भाई, कैसे भरते भाई, हम आपको तुरंत तो भर नहीं सकते, 2 दिन में तो डायरेक्टर मिल नहीं जाता, तो सर आप इसीलिए विच एवर इज अर्लियर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे विच एवर इज लेटर, मतलब हम कह रहे हैं जब भी आपका 3 महीना खत्म हो या जब भी अगला बोर्ड मीटिंग हो विच एवर इज लेटर में आप क्या करना, प्लीज अपॉइंट कर देना, क्यों सर, क्योंकि अर्लियर लिखते तो वुमेन डायरेक्टर क्या करते, 3 जून के एक दिन पहले रिजाइन मार के चले जाते 2 जून को और बोलते कल करके दिखा, कल करके दिखा, या तो बोर्ड मीटिंग कैंसिल करना पड़ेगा, या तो बोर्ड मीटिंग कैंसिल नहीं किया तो तेरे को कॉन्ट्रावेंशन सहना पड़ेगा, कॉन्ट्रावेंशन मतलब क्या, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ सहना पड़ेगा, दोनों में से कुछ तो करना पड़ेगा, तेरा नुकसान होगा, तो इसीलिए लॉ ने क्या बोला विच एवर इज लेटर। तुम मेरे को बताओ सर, अगर एक जने ने रिजाइन किया 1 जुलाई को, और मेरी बात ध्यान से सुनना, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब है, 1 जुलाई को रिजाइन किया और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 15 अक्टूबर को है, कब है, 15 अक्टूबर को है, तो मेरे को बताओ ये कैजुअल वैकेंसी, ये इंटरमीडिएट वैकेंसी कब भरोगे, सर आप भरोगे विद इन 3 मंथ्स और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। सर 3 मंथ्स कब हो जाएगा आपका, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब आपका 30th सितंबर हो गया, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग क्या हो गया आपका, 15 अक्टूबर हो गया, तो विच एवर इज लेटर में क्या आया 15 अक्टूबर, तो आप 15 अक्टूबर तक भर दोगे। पर सर इसी केस में मेरी बात ध्यान से सुनो, सर अगर मैं आपको बोलूं कि 1 जून को क्या हुआ है, इंटरमीडिएट वैकेंसी का, 1 जून को सर आपका जो अगला बोर्ड मीटिंग है ना, एक बोर्ड मीटिंग आपका 5 सितंबर को है और एक बोर्ड मीटिंग आपका 10 सितंबर को है, ठीक है, एक बोर्ड मीटिंग आपका 5th को है, एक बोर्ड मीटिंग 10th को है। अब सर आपने क्या किया, आपने निकाला विद इन थ्री मंथ्स मतलब क्या हो गया, जून जुलाई अगस्त, आपको 31 अगस्त तक भरना पड़ेगा, या फिर आपको इन द इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। अब सर यहां पे आप 5th सितंबर का डेट कंपेयर करोगे कि आप 10th सितंबर का डेट कंपेयर करोगे, 5th सितंबर कंपेयर करोगे 10th, सर यहां पे आप 5th सितंबर का डेट लोगे, क्यों, क्योंकि आपको इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग देखना है, मतलब ये रेजिग्नेशन के बाद तुरंत बाद जो भी बोर्ड मीटिंग हुआ वो देखना है, तो सर आपका यहां पे 5th सितंबर को पहला मीटिंग हो गया, उसके बाद तो 5th सितंबर का डेट लोगे, विच एवर इज लेटर में क्या आएगा आपका, 5th सितंबर आएगा, 5th सितंबर तक आपको विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, समझ ला काय, अरे बोलो ना, समझा क्या मालिक आपको, यस और नो बेटा बोलो ना, बोलो ना, समझा कि नहीं समझा आपको, समझा, हाँ सर। सर अब एक बार मेरी बात सुनो, मैं आपको पूरा का पूरा सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनो क्या है 149 सबसेक्शन 1, 149 सबसेक्शन 1 कहता है कि हर कंपनी जो है ना वो इंडिविजुअल को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, कितने डायरेक्टर्स होंगे सर आपके, मिनिमम 3 डायरेक्टर पब्लिक कंपनी के केस में, 2 प्राइवेट के केस में और 1 1-person कंपनी के केस में, और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होंगे सर, मैक्सिमम आपके 15 डायरेक्टर होंगे, पर 15 से ज्यादा अगर आपको रखना है तो आप SR पास करके रख सकते हो, पर ये जो 15 और SR का प्रोविजन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेक्शन 8 कंपनी को, सॉरी गवर्नमेंट कंपनी को और सेक्शन 8 कंपनी को, शर्त सिर्फ इतना है कि इन्होंने सेक्शन 92 और सेक्शन 137 का कंप्लायंस करके रखा है। 92 किसके बारे में बात करते हैं सर, एनुअल रिटर्न के बारे में, 137 किसके बारे में बात करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ये आपका प्रोविजन हो गया पहला। दूसरा प्रोविजन यह है कि हर कंपनी को एक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, सर विमेन डायरेक्टर किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, उनको जिनका नाम रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया है, कौन सी कंपनीज का नाम रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया है सर, या तो लिस्टेड कंपनी हो गए या तो अनलिस्टेड कंपनी हो गए, क्या हो गए, अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी तो ठीक है हर कोई, पर अनलिस्टेड कंपनी यानी कि वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे 100 करोड़ या उससे ज्यादा है और टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको एक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा।
पर सर अगर आप एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो और आपका प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो गया, तो आपको इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, एक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। सर अगर विमेन डायरेक्टर टेन्योर के पहले छोड़ करके चले जाती है तो उसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट वैकेंसी। क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट वैकेंसी। इंटरमिटेंट वैकेंसी अगर होता है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेगा, या तो इन द इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, या फिर 3 महीने के अंदर, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में आता है उसमें आप फिल करोगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? विच एवर इज लेटर। अरे बोलो, समझा क्या? हाँ कि नहीं? समझा कि नहीं? यस और नो सर? समझे सर? परफेक्ट। अब सर मैं आपको एक चीज लास्ट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है पर आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने क्या किया, ये बाजू में ना मैंने एक वो लगाया, वो क्या होता है, डिफ्यूजर। बात बात पे 15-15 मिनट डिस्क कर देना, फट जा रही है मेरी यार। आज कल ही लगाया है तो आदत भी नहीं पड़ी है, तो मेरी तो 4 बार फट चुकी है सुबह से। सुनो सर, मैक्सिमम 15 में से कोई एजेपी नहीं रह सकता क्या? एजेपी नहीं पता बेटा, इतना नहीं पढ़ा लिखा हूं मैं बेटा, थोड़ा प्लीज बता दो बेटा। मेरे को लगा शुभम का प्रॉब्लम है, सब शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते है ना, शुभम सूरत वाला। सुनो मेरी बात, मजाक कर रहा हूं, अपने बारे में बोल रहा था। सुनो मेरी बात दोस्तों, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैं आपको बता रहा हूं। डायरेक्टर्स जो होते हैं ना आपकी कंपनी के, डायरेक्टर्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर दोनों में फर्क क्या है? एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब क्या सर? सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर होता है जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं। किसमें इन्वॉल्व होते हैं? डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं। फिर नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब कौन होता है सर? नॉन एग्जीक्यूटिव जो होता है वो डे टू डे अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो मेजरली पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होता है। किसमें? पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होता है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पहले मैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में काम करता था। सर जब काम करता था ना, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दो तरह के डायरेक्टर थे। एक था जैसे कि आपका कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर बंदा था ना, ये रोज ऑफिस आता था, रोज सूट बूट पहन के आता था, रोज काम करता था, रोज सीईओ से मिलता था, डिस्कशन करते थे, ये लोग कैश फ्लो देखते थे, कंपनी का क्या हालत है, रेवेन्यू का क्या है, एक्सपेंस क्या है, सब देखते थे, पूरा प्रॉपर काम करता था। पर सर एक ऐसा डायरेक्टर था जो कंपनी के सर बोर्ड मीटिंग में आता था। किसमें आता था? बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग में मतलब क्या, आप मीटिंग करने आए हो, बोर्ड मीटिंग करने आए हो, तो वो बोर्ड मीटिंग में आता था। और बोर्ड मीटिंग में आने के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनो, बोर्ड मीटिंग में आने के बाद बस ज्ञान देता था, बैठे बैठे पॉलिसीज बनाता था, कोई काम नहीं करता था, पॉलिसीज बनाता था और पॉलिसीज बना के चला जाता था, अगले बोर्ड मीटिंग में आता था। अब ये जो पॉलिसी बनाया ना, इसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका रह जाता था? हमारे एमडी साहब का। तो सर पॉलिसीज बनाने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब वो रोज एग्जीक्यूशन का काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग पे, मतलब ब्रॉडर लेवल पे, ऊपर के लेवल पे बैठा है वो। और एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, वो जो रोजमर्रे का काम कर रहा है, डे टू डे अफेयर्स कर रहा है। सर ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है ना, उसको कंपनी से सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? सैलरी। मतलब वो कंपनी का एक एम्प्लॉई माना जाता है और कंपनी के सैलरी रजिस्टर में भी आता है और उसको सैलरी भी मिलती है। पर सर इसको कोई सैलरी नहीं मिलती, इसको कोई सैलरी नहीं मिलती। इसको क्या मिलता है? इसको यूजुअली मिलता है बोर्ड फीस। बोर्ड फीस मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अटेंड करने के लिए, मीटिंग में आके बैठने के लिए, अपना समय देने के लिए तुमको क्या मिलता है? एक पैसा मिलता है जिसको हम प्यार से सिटिंग फीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटिंग फीस। मतलब बैठो, सोचो ना यार, जिंदगी में हमारे दो ही तो सपने थे, एक तो बैठ के खाने का पैसा मिले और दूसरा लेट के सोने का पैसा मिले। अगर ये दोनों हो जाए तो जिंदगी में तरक्की में रोक के दिखा दे मेरे को, क्या कि बैठ के खाने का पैसा दे दो और लेट के सोने का पैसा दे दो हमको। यहां पे देखो, इनको मिलता सिटिंग फीस, बैठने का पैसा मिलता है इनको कि इनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, डिटेल में बहुत आगे पढ़ेंगे। उसके बाद सर ये जो इनका काम है पॉलिसी बनाना, और ये पॉलिसी को एग्जीक्यूट कौन करता है? आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करता है। सर एग्जाम्पल दो कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। दोस्तों आपका जो कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, आपके जो कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पर एग्जाम्पल दोस्तों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, आपकी कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब क्या सर? वो डायरेक्टर जो आके सिर्फ पॉलिसी बना के जा रहा है, एक
आप पे नजर रख के जा रहा है, वो रोज रोज का काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब बड़े बड़े लोग सर, एग्जीक्यूटिव मतलब नौकर। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब बड़े बड़े लोग, नॉन और एग्जीक्यूटिव मतलब बड़े बड़े नौकर, ठीक है, बड़े बड़े लोग जो नौकरी कर रहे हैं। अब सर मेरी बात समझो, यहाँ पे देखो ये हमारे रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यहाँ पे मुक्कू भाई क्या है? मुक्कू भाई यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये क्या हो गया सर? ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए। क्यों? क्योंकि ये एमडी है, और भाई साहब एमडी बहुत काम करते हैं, और ये तो साथ में चेयरमैन भी है, ठीक है। मुख्य अब नीता अंबानी क्या हो गए? अपने को पता है ना भाई, अपने को पता है ना, समझने की जरूरत थोड़ी है ना ज्यादा, अपने को पता है मैडम क्या कर रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कंपनी का थोड़ा सा बस एक्सपेंस बढ़ा रहे मैडम, और कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद सर नीचे देखो, यहाँ पे एक और डायरेक्टर है, हिज एक्सीलेंसी यसीर ओथमान। ये सर सऊदी अरमान को, सऊदी अरामको करके कंपनी है, सऊदी अरामको बहुत बड़ी ऑयल की कंपनी है, उसका एक बंदे को यहाँ पे इन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा है। अब तुम मेरे को बोलो ये इधर बैठ करके काम करेगा क्या? इधर काम करेगा तो उधर कौन चलाएगा? तो सर इसीलिए इसको क्या बनाया तुमने? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है, मतलब ये क्या बनेगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर उसके अलावा आपका प्रोफेसर दीपक सीजन, ये भी इंडिपेंडेंट यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, इतने सारे इंडिपेंडेंट। देखो सर अरुंधति मैडम भी इंडिपेंडेंट, केवी चौधरी भी इंडिपेंडेंट। अब सर देखो मेन गेम, सर निखिल आर मेशवानी ये क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और हीतल आर मेशवानी, दोनों भाई भाई लग रहे नहीं सर? ये दोनों भाई जो है ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब सर मेजरली कंपनी चला यही रहे हैं। मुकेश अंबानी से सबसे ज्यादा बात कंपनी चलाने को लेकर के कौन कर रहे हैं? वो ये दोनों कर रहे हैं, निखिल मेशवानी और हीतल मेशवानी। उसके बाद सर देखो पीएमएस प्रसाद और उसके बाद पवन कुमार कपिल, ये दोनों भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये चार लोग, और इनके साथ जो है हमारे मुकेश भाई अंबानी, ये पांच लोग मिलकर के कंपनी चला रहे, बाकी सब तो इंडिपेंडेंट या नॉन एग्जीक्यूटिव है दोस्त, समझे क्या? सर दिनेश पूछ रहे हैं अगर एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अगर अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको कितने समय में वुमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल होगा? बेटा प्राइवेट कंपनी को तो वुमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल ही नहीं है ना, समझे क्या सर? तो आप समझे सर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में फर्क। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो रोज रोज भरने का काम चला रहे हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो सिर्फ बड़ी बड़ी ज्ञान ज्ञान दे रहे हैं और वो पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, समझ रहे हो ना तुम? अरे बेटा समझ रहे हो ना तुम? हाँ सर। चलो सर ये आपकी आज की क्लास थी, आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, पर करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर एक मैं करूंगा, एक तू करेंगे। आपने वो देखा है अक्षय कुमार की मूवी, एक तेरा एक मेरा, एक दो तेरा दो मेरा, उसी तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व होगा। ये देखने वाली बात ये है कि ये वाले क्वेश्चन बैंक में अक्षय कुमार तुम बनोगे कि मैं बनूंगा? क्या लगता है तुम्हें अक्षय कुमार कौन बनेगा? मेरे को तो लग रहा है तुम ही लोग हीरो हो यार, तुम ही लोग हीरो हो, तुम ही लोगों ने बनना चाहिए, है ना सर? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में फर्क क्या होता है तनिषा, वो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं एक बार आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझा लूंगा, जो हमारे क्लास का पूरा पूरा मेन डिस्कशन जो है वही है, ठीक है। इसी का क्या लगता है बेटा आपको? आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, क्या लगता है आपको? अभी तक इतना तो आपको एक्सपीरियंस हो ही गया होगा, क्या लगता है आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको? चलो गाइज मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा आपको, पहला वाला क्वेश्चन नंबर वन पढ़ो। सर हमको बुक्स नहीं आई है कैसे करेंगे? मेरी बात सुनो ध्यान से, बुक्स जिनको भी नहीं आई है मेरी बात सुनना, इस वीडियो के नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे थोड़े समय बाद मैं क्या करूंगा, एक डिस्क्रिप्शन डालूंगा, एक लिंक डालूंगा, जिससे आप मेरा समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक का पहला दो चैप्टर का पीडीएफ देख सकते हो, वहां से क्वेश्चन कर लेना प्लीज, ठीक है। सर आपकी कल और परसों की क्लास बस यूट्यूब पे रहेगी, तीन क्लासेस यूट्यूब पे रहेंगे, उसके बाद अपन ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे, आपको लेक्चर्स के एक्सेस का ईमेल कल आ जाएगा। पर मेरी बात सुनो, अभी पहले सर क्लास खत्म करते हैं, फिर एडमिन क्वेश्चंस लेंगे। सर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान टॉय प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन द कंपनी शेल नॉट एक्सीड 10, 10 से ज्यादा नहीं होगा। कहां पे लिखा है ये? एओए में लिखा है। प्रेजेंटली द कंपनी हैज 8 डायरेक्टर्स, क्या आप कंप्लायंस में हो? हाँ सर। लॉ में 15 लिखा है, एओए में 10 लिखा है, आपके पास 8 है। लॉ में 15 लिखा है, एओए में 10 लिखा है, आपके पास 8 है, बहुत चलते हैं। इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिजायर्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम 8 टू 16, धत तेरी की, 8 से ये लोग सीधा 16 डायरेक्टर अपॉइंट करना, 8 से और 8 डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, टोटल 16।
एडवाइज वेदर अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट द बोर्ड कैन डू सो, क्या आप कर भी सकते हो? द आंसर इज सर देखो गवर्नमेंट कंपनी है क्या? नहीं. सेक्शन 8 कंपनी है क्या? नहीं. तो हमको ये जानना है मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं, तो 15 तक तो कर ही सकते हो, पर 15 तक भी करने के लिए आपको एसआर तो पास करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपके एओए में लिखा है मैक्सिमम 10 कर सकते हो. आपको ये काटना पड़ेगा, काट के बढ़ाना पड़ेगा. तो जब बढ़ा ही रहे हो तो आप बढ़ा के क्या कर दोगे? 16. तो आप एक एसआर पास करोगे, एओए को अमेंड करोगे और आपका लिमिट कितना कर दोगे? 16 का. उसके बाद जब वो हो जाएगा तो आप ना 15 डायरेक्टर तो बस यूं ही अपॉइंट कर लोगे, पर जब आप 16th डायरेक्टर पे आओगे ना आपको एक और एसआर पास करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि लॉ में सेक्शन 149 कहता है एसआर पास करके ही आप इतने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो 15 से ज्यादा. तो सर आपको दो एसआर पास करना पड़ेगा. अगर आप आंसर देखेंगे तो यहाँ पे दो एसआर है, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन 1 और एक स्पेशल रेजोल्यूशन 2. मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना दोस्तों. मैंने क्या कहा? दो एसआर पास करना पड़ेगा. पर इसी केस में अगर मैं आपको बोलूं राजस्थान चॉइस प्राइवेट लिमिटेड जो है, अगर मैं आपको ये बोल दूं ये गवर्नमेंट कंपनी है, अगर मैं आपको ये बोल दूं गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या होगा? सर अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो 15 का मैक्सिमम लिमिट तो एप्लीकेबल ही नहीं है. तो जब तुम 16 कर रहे हो तो तुमको एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, तो सर ये जो दूसरा वाला आपका एसआर था ना ये आप पास नहीं करोगे. पर अभी भी आपके एओए में कितना लिखा है? 8 डायरेक्टर. उसको तो 16 करना पड़ेगा ना बेटा. तो एक ही एसआर पास करोगे एओए को अल्टर करने के लिए, पर लॉ के हिसाब से आपको एसआर पास करने की जरूरत नहीं है. सर अब जब ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको आता है, दुनिया में एक बच्चा नहीं होएगा जिसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता. गेम कहां बदलता है? सर गेम बदलता है एग्जाम में लिख के कैसे आओगे. हाउ विल यू प्रेजेंट दिस आंसर इन योर क्वेश्चन? तो सर मैं आपको बताता हूं, प्रेजेंटेशन आपने इंटरमीडिएट में भी सीखा होगा, नहीं सीखा है तो अभी सीख लो. सर प्रेजेंटेशन क्या होता है आपका? सर कभी भी कोई आंसर अगर आप लिख रहे हो ना तो उस आंसर को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. कितने पार्ट में? 4 पार्ट में यूजुअली डिवाइड करना पड़ेगा. पहले वाले पार्ट में आप लिखोगे रेलिवेंट प्रोविजन. क्या लिखोगे आप? रेलिवेंट प्रोविजन. फिर आप लिखोगे गिवन केस. फिर आप लिखोगे एनालिसिस. और फिर आप लिखोगे कंक्लूजन. सर क्या मेरे को मैंडेटरी है ये 4 पार्ट में डिवाइड करना? नहीं बेटा, ये 4 पार्ट में डिवाइड करना मैंडेटरी नहीं है. पर जब आप आंसर का फ्लो बनाओगे ना, आप इस फ्लो में बनाओगे. कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले फैक्ट्स ऑफ द केस लिख देते हैं, फिर वो रेलेवेंट प्रोविजन लिखते हैं. बेटा फैक्ट्स ऑफ द केस तो वो चीज है ना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो लिख के क्या उखाड़ रहे हैं हम? कुछ नहीं उखाड़ रहे. तो हमको सबसे पहले रेलेवेंट प्रोविजन लिखना पड़ेगा. यहां पे आप लिखोगे एज पर सेक्शन 149, एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट. फिर आप लिखोगे पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी और अ सेक्शन 8 कंपनी शैल हैव मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स इन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोवाइडेड दैट द कंपनी मे हैव मोर देन 15 डायरेक्टर्स बाई पासिंग व्हाट? बाई पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. ये दो पॉइंट आपने लिखा, ये क्या हो गया आपका? रेलिवेंट प्रोविजन. फिर आप लिखोगे इन द गिवन केस द कंपनी हैज अपॉइंटेड 8 डायरेक्टर्स एंड इंटेंड्स टू अपॉइंट फर्दर 8 डायरेक्टर्स. हाउएवर एज पर एओए द मैक्सिमम लिमिट इज 10. एज पर एओए द मैक्सिमम लिमिट इज 10. ये क्या हो गया आपका? गिवन केस. उसके बाद आप लिखोगे एनालिसिस. एनालिसिस मतलब आपको सर ऐसा हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है. आप तीसरा फिर ये लिखोगे दैट इफ द आप एनालिसिस और कंक्लूजन को मिक्स कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपके एनालिसिस में ही कंक्लूजन आ जाएगा. तो आप लिख दोगे अकॉर्डिंगली एज पर द अबव प्रोविजन कंपनी में अपॉइंट 8 अदर डायरेक्टर्स बाई फॉलोइंग प्रोसीजर. पहला पास एन स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑल्टर योर एओए. एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो एओए को ऑल्टर करने के लिए और दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो सेक्शन 149 के कंप्लायंस. इस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना पड़ेगा. सर अब से मेरी बात सुनो जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, मेरे को आप लोगों से एक वादा चाहिए दोस्तों. बहुत सारे बच्चे थियरी में फेल होते हैं. क्यों? क्योंकि सर थियरी में जितनी भी क्लासेस कर लो, थियरी में एक चीज की कमी रह जाती है, वो होती है राइटिंग प्रैक्टिस. अब बच्चों मेरे को एक बात आप बता दो, क्या आप मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 100 घंटे की क्लास में मैं आपको पूरा 100% कवरेज तो करवाऊंगा, साथ में 100% क्वेश्चन बैंक पढ़ा करके लिखा भी दूंगा? क्या तुम्हारे पास मेरे यहाँ पे घूमता हुआ तुमको कुछ चक्र दिख रहा है मेरे हाथ में? नहीं ना, कोई चक्र तो है नहीं. भगवान तो हूं नहीं मैं. 100 घंटे में मैं 150 घंटे का काम करके दे सकता हूँ, 1500 घंटे का काम तो नहीं. तो अब सर तरीका क्या होना चाहिए? आप समझो आज से आपने लॉ पढ़ाई करना शुरू किया है,
लॉ को जस्टिफाई करना पड़ेगा सर। देखो कोई एरा वाला सब्जेक्ट तो नहीं है कि अरे बस आता है तो ठीक है बेटा, फेल हो जाएगा पूरा ग्रुप। अगर लॉ नहीं संभला तो पूरा का पूरा ग्रुप लग सकते हैं। बात सही है कि नहीं? आपका एफआर बहुत अच्छा गया 50, ऑडिट बहुत अच्छा गया 50, एसएनएम बहुत अच्छा गया 50, लॉ बहुत खराब गया 38, भैया गया ग्रुप। पूरे एफआर की एसएफएम की ऑडिट की मेहनत गई क्या लेने, तेल लेने। तो सर मैं बोल रहा हूँ लॉ इज समथिंग वेर यू कैन स्कोर एग्जेम्पशन। इस बार के पेपर में इन्होंने मार्क्स नहीं दिए बेटा, पूछ लो अपने किसी भी सीनियर से क्यों नहीं देते ये मार्क्स, जो इनकी मर्जी सबसे पहली। तो दूसरा, बच्चे वैसा पेपर लिख के नहीं आ रहे जैसा उनको लिखना चाहिए, तो सर क्या करें उसके लिए? आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी सर, आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। ये कैसे होगा, मैं आपका साथ कैसे दूंगा? मेरी बात सुनो दोस्तों, मैं आप लोगों को, स्नैपचैट यूज करते हो आप? हाँ, तो स्नैपचैट पे एक होता है स्ट्रीक, मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रीक शुरू कर रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, पहली बार कोई ये कर रहा है आप लोगों के लिए करने दो, आगे चल करके बाकी लोग भी आपके लिए करेंगे, बाकी लोग भी देख करके सीखेंगे, पर आप लोग सुन लो। सर मैं आप लोगों को एक ईमेल आईडी दूंगा। कब दूंगा सर? आज तो नहीं दूंगा, एक बार जब अपनी क्लासेस ऐप पे आ जाए उस समय दूंगा, फोर्थ को दूंगा, मतलब आपको फोर्थ डे ऑफ क्लास को दूंगा, ठीक है? फोर्थ डे ऑफ क्लास जब अपन ऐप पे करेंगे तब दूंगा। वो जो भी ईमेल आईडी होगा उस ईमेल आईडी पे आपको मैं रोज एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क, जो क्वेश्चन मैं आपको अभी क्लास में बताऊंगा क्लास के एंड पे, वो क्वेश्चन आपको लिखना है सर। और वो लिखने के बाद उस क्वेश्चन को स्कैन करना है एक फोटो, और स्कैन करके उसको क्या करना है, ईमेल करना है। क्या करना है? ईमेल करना है। अब सर मैं क्या करूंगा, या तो ईमेल आईडी दूंगा या फिर कोई एक और ऑल्टरनेट बताऊंगा। मेरे को ये 21 दिन के एंड पे मेरे को ये देखना है कितने बच्चे हैं जो डेडिकेटेडली मेहनत कर रहे हैं, जो 21 दिन के अंदर अपना सारा का सारा डेली, इस कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूँ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या बोलता हूँ? डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब दोस्तों ये डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन वर्क्स लाइक वंडर, इट वर्क्स लाइक अ चार्म, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। दोस्तों ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं सिर्फ आपसे नहीं करवा रहा हूँ, ये मैंने अपने टाइम पे किए हुए हैं। रुको आपको एक सेकेंड दिखाता हूं। हे भगवान, मैं अपना फोटोज का गैलरी खोलने वाला हूँ, जरा संभाल लेना, कुछ ऐसी वैसी चीज सामने ना दिखा देना। पक्का खोलू? नहीं तो बहुत करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। पक्का खोलू? भैया भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। बच गया सर, बच गया। ये एक्चुअली इंटर के बैच में मैंने दिखाया था करके मैं बच गया। सुनो सर, ऐसा क्या है सर आपकी गैलरी में? कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो सुनो। देखो दोस्तों, सर ये देखो इस तरह के नोट्स हैं जो मैंने अपने ऑडिट और लॉ के लिए लिखे हैं। मेरे को मेरे लॉ का तो स्कैन नहीं मिला, ऑडिट का स्कैन मिल गया। देखो ये मेरा डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन का पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 विच इज पेज नंबर 234 या पेज 114, जो भी मैंने रेफरेंस दिया है, पूरा मैंने पैराग्राफ लिखा है, पूरा आंसर लिखा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, उसके बाद मैंने रेड पेन से करेक्शन किया, मैंने बोला बेटा ये ऐसे 300 नहीं, ऐसे 315 और 330 का रेफरेंस देना है। फिर मैंने नीचे करेक्शन में क्या लिखा, मैंने नॉट रेलेवेंट टू क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला ये ज्ञान तूने दे दिया पर क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं था। इस तरीके से मैंने बहुत सारे आंसर अपने लिखे। ये देखो दूसरा मैंने क्या लिखा, फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस। सर हम लोग ये ऑडिट में करते हैं कभी कभी कि हम लोग फैक्ट्स ऑफ द केस ऊपर लिखते हैं, पर सर फैक्ट्स ऑफ द केस ऊपर लिखना सही तरीका नहीं है। अगर ऑडिट में आपकी फैकल्टी बोल रही है ऑडिट में लिखो तो लिखो, पर लॉ में मैं आपको बोल रहा हूं ऊपर आपको रेलेवेंट प्रोविजन ही लिखना पड़ेगा, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस। फिर यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे कुछ और चीज लिखनी थी तेरे को, क्या? ये जो मैंने नीचे लिख रखा है जिसके एक नंबर गए मेरे। तो सर पर किया तो नहीं, तो सर मैंने क्या बोला, इस तरीके से सारे आंसर्स जो है मैंने लिखे थे, और मैंने लिख लिख करके अपने आप को स्कोर दिया था कि अगर तू ये पेपर चेक कर रहा होता तो अपना पेपर, जो कॉन्सेप्ट तूने अभी पढ़ा है, जिसका क्वेश्चन का आंसर तूने अभी पढ़ा है और अभी लिख रहा है, तो तेरे को 2.5 मिल रहे हैं 4 में से, तो तेरे को 2 मिल रहे हैं 4 में से, तो तेरे को एग्जामिनर कहां से मार्क्स देगा भाई? ये देखो ना, ये देखो 6 में से 3 मार्क्स मिले हैं मेरे को। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने रेड पेन से लिखे वो मेरे को याद ही नहीं थे सर। इस तरह की चीजें मैंने, इस तरह की चीजें करनी होती है बेटा हर सब्जेक्ट के लिए, थियरी सब्जेक्ट के लिए, तो लॉ के लिए तो कम से कम शुरू करो। सर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, सबसे पहले आप वो क्वेश्चन पूरा रीड करोगे। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको अगर लगा हाँ यार ये सेक्शन मेरे को याद तो है, पर मेरे को एक बार सेक्शन का लैंग्वेज देखना है, आंसर नहीं पढ़ोगे, आप जाओगे मेरे समरी नोट्स में और वो आंसर का लैंग्वेज देखोगे। लैंग्वेज देखने के बाद जब आपके सारे सेक्शन आपने पढ़ लिया, आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, अब आप उसको पूरा बंद करके ऐसा समझ करके लिखना जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हो, आप उसको लिखोगे एग्जाम में अपने नोट्स में। और एक बार लिखने के बाद सर यहां पे लोग छोड़ देते हैं,
पर सर यहां पे तुम्हारा काम अभी तक सिर्फ 20% हुआ है, 80% काम अब होगा। क्या सर, ये जो तुमने लिखा है ना, इसके बाद तुमने जो क्वेश्चन बैंक में जो आंसर है वो आंसर पूरा सजेस्टेड आंसर है, पूरा आईसीआई का सजेस्टेड आंसर है। तो ये आंसर को रीड करना और जो भी तुमने अपने आंसर में कमी की उसको इंप्रूव करना एक दूसरे कलर के पेन से। जब तुम ये करोगे ना बेटा, जब तुम ये करोगे ना बेटा, तो तुमको जो कॉन्फिडेंस आएगा और जो लर्निंग मिलेगी ना, उसका कोई मैच नहीं है। अगर मैं ये तुमको मेरे साथ साथ क्लास में करवा भी दूं ना, तो भी करना तुमको ही है। जब तक तुम गलती करके ये नहीं देखोगे सही क्या है, तब तक तुमको समझ ही नहीं आएगा क्या गलत किया मैंने। तो बेटा मैं आपसे क्या कर सकता हूं, मैं आपको हैंड होल्डिंग कर सकता हूं बेटा, पर मेहनत किसको करनी पड़ेगी यार। मेहनत मैं तो करूंगा, मेरे तरफ से मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। तो अभी आज का डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, स्कैन करके आज नहीं भेजना है, ईमेल आईडी मैं आपको 3 दिन बाद दूंगा। आज आपको सिर्फ क्या करना है, आज आपको ये डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखना है। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जब देख रहे हो तुम जिंदगी में, शायद आज से 2 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो, तुम लोग आज से शुरू करोगे। वो ईमेल आईडी तुम्हारे लिए खुला है, तुम मेरे को भेजोगे और एक 21 डेज का स्ट्रीक चाहिए मेरे को। अब सर आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। 1 अपन ने क्लास में कर लिया, 2 आपका होमवर्क है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस तुम नहीं कर पाओगे सर, अच्छा कर तो लोगे वैसे, सुनो सर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज का, इसको लिख करके आना, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, बस इसको रीड करके आना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले 2 चैप्टर के लिए, बाकी तब तक आप तक नोट्स पहुंची जाएगी दोस्तों। चलो थैंक्स अ लॉट, आई विल सी यू ऑल टुमारो, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मेरे को फटाफट बताओ कैसा लगा तुमको सेशन, कैसा लगा तुमको सेशन। बैकअप बेटा स्ट्रेट 24 आवर्स के बाद, 24 आवर्स के बाद बैकअप मिलेगा आपको। अगर आप बैकअप लेक्चर देखना चाहते हो, मैं आपको बोलूंगा 3-4 दिन पीछे चलो मेरे शेड्यूल के, आप शांति से जियोगे, वरना आप मेरे को रोज रोज ये परेशान करोगे सर बैकअप बैकअप बैकअप। तो आप 1 दिन पीछे चलो कम से कम। समझ आई सर आपको सारी चीजें, थैंक यू आरजू, ग्लैड दैट यू लव्ड इट। चलो गाइस ठीक है, चलो गाइस मेरी आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग ये वीडियो यहां तक देखे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्यों, ताकि इससे रीच मिल जाती है मेरे को। रिकॉर्डेड वाले बच्चे बोलेंगे सर मेरे लिए क्यों, मैं हमको क्यों ये सब बोल रहे हो, और जो भी बच्चे ये सुन रहे हैं प्लीज मेरी बात सुनना, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको ये बता देना कि लॉकी क्लास शुरू हुई है, वो अगर ज्वाइन करना चाहे तो अगले 1-2 दिन में ज्वाइन कर ले, ताकि उनका पूरा फ्लो बैठ जाए, वरना उनका बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर उन्होंने ज्वाइन करना है तो प्लीज अपने दोस्तों को रेफर जरूर करिएगा, रेफर एंड शेयर, एंड रेफर एंड अर्न तो नहीं है, पर रेफर एंड शेयर जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाना, क्योंकि आप लोगों की मदद जरूर मेरे को लगेगी उन लोगों तक पहुंचने में, ठीक है। तो अपने सारे दोस्तों को बताना कि लॉ की क्लासेस शुरू हो रही है, आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं मिलता हूं सुबह कल आपसे 7:30 बजे स्टार्ट, ठीक है। चलो गाइस टेक केयर, हैव अ वेरी प्रोडक्टिव डे, हैव अ वेरी गुड डे, स्टडी वेल, ईच एंड एवरी डे काउंट्स, सो डू मेक श्योर दैट आप अपना बेस्ट कर रहे हो। आज बहुत सारी पढ़ाई करना, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, लॉ अब मेरे साथ शुरू किया है ना, कितनी भी मुश्किल हो पर लॉ को अपने हाथ से छूटने मत देना। मेरे साथ साथ जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको एक पत्थर पे लिखी हुई बात मान करके उसको खत्म कर लेना। जब लॉ खत्म होगा तुम लोग जितने जितने दिल से खुश होगे ना, वो मैं तुमको बता भी नहीं सकता, ठीक है। मेरे को आपका क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है देवाशीष, ये क्लास नोट्स जो है बेटा वो भी आपको वो ड्राइव का लिंक पे मिल जाएगा जो मैं आपको अभी भेज रहा हूं, ठीक है। चलो गाइस ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।